हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी हूँ बहुत अच्छा। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। इट्स शार्प 3 o'clock और कुछ हमारे दोस्त आ चुके हैं, पर सारे नहीं आए हैं। मुझे पता है बहुत लोग आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन एवरीवन। दीपक, डिंपल, मानसी, अमन, हरिहर, हरिहर नाम कैसा भाई? हरिहर, हरिहर, अमीश, चंदन, दीपिका, एवरीवन, गुड आफ्टरनून। चलो जी चलो, आज हमारी और आपकी पहली मुलाकात, वर्चुअल मुलाकात। चलो आज हम शुरू कर देते हैं क्लासेस। लेकिन क्लासेस में आज होंगी क्या? पहली बात है तो आज हमारी क्लासेस इंट्रोडक्टरी रहने वाली। इंट्रोडक्शन में क्लासेस में क्या होता है यार, सब्जेक्ट को जान पहचान, हम आपको जाने, आप हमको जाने, यही चीज़ें चलती रहेंगी शुरुआत के आधे घंटे। फिर हम धीरे धीरे लेक्चर्स लेना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे सब्जेक्ट के अंदर घुस जाएंगे। पर अभी अगर हम बात करें, मैं आ जाता हूँ। आपके इंस्टीट्यूट के अंदर जो नया करिकुलम आया है May 24 ऑनवर्ड्स के लिए, न्यू पैटर्न, न्यू सिलेबस, नया करिकुलम, आप जो मर्जी कह लीजिए, इसकी आपसे कुछ अलग एक्सपेक्टेशन है। जितना पहले एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा सा अलग है, अलग कंटेंट वाइज भी है और अलग एक्सपेक्टेशन भी। आप एग्जाम में राइटिंग किस तरीके से करोगे इसकी भी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी अलग है, नॉट मच बट स्टिल। सिलेबस में थोड़ा सा अंतर है। सी फाइनल के कुछ चैप्टर्स आपके लिए इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। सी इंटर के जीएसटी के अंदर वेटेज को भी बढ़ाया गया और बहुत सारी बातें। चलो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम आपका सब्जेक्ट। सबसे पहले मैं आपको बधाई दे दूं कि आप लोग सी फाउंडेशन क्लियर कर चुके हैं और आप हैं सी इंटर के अंदर और आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। नोबडी कैन स्टॉप यू, स्काई द लिमिट या उससे भी ऊपर इज द लिमिट। अभी चंद्रयान की तरह मतलब है, चंद्रमा पे जाओगे आप। पारुल, हाँ जी, गुड आफ्टरनून। सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपके लिए कुछ चीज़ें ऑलरेडी लिख करके लाया हूँ, आपके करिकुलम और सब्जेक्ट्स की डिटेल्स वो देखते हैं। सी इंटर के अंदर सबसे पहले तो आप जानो कि आपके पास 6 सब्जेक्ट होते हैं। देखो मैं स्पीड में नहीं पढ़ाऊँगा, मैं बहुत स्लो रहता हूँ, नॉट बहुत स्लो, कहने का मतलब कि एकदम फास्ट फास्ट नहीं पढ़ाएंगे। सी इंटर में आप पहली बार टैक्सेशन पढ़ रहा हूँ, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ आपने। इवन दो कि ग्रेजुएशन के अंदर कुछ बच्चे होंगे जो ग्रेजुएशन करके आ चुके हैं, बट इट डज नॉट मैटर। मैं मान के चलता हूँ कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और सी इंटर के अंदर पढ़ रहे हो फर्स्ट टाइम, यानी कि आपने आज से पहले टैक्सेशन का शक्ल नहीं देखा। टैक्सेशन के नाम पे हो सकता है आपने कुछ बच्चे ऑलरेडी डायरेक्ट टैक्सेस की क्लासेस ले रहे हैं या ले चुके हैं, तो थोड़ा बहुत आपने टैक्स का बेसिक स्ट्रक्चर जाना होगा। इसके अलावा मैं आपसे ज़्यादा उम्मीद नहीं करता। मैं मानता हूँ कि सब कुछ आपको मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, इसीलिए सी इंटर के अंदर देयर इज नथिंग कॉल्ड फास्ट ट्रैक। सब कुछ आराम आराम से करेंगे, धीरे से करेंगे, प्यार मोहब्बत से करेंगे और इंस्टीट्यूट की मटेरियल से ही करेंगे। इंस्टीट्यूट की मटेरियल से आप भटके, इंस्टीट्यूट आपको भटका देगा। एनीवेज, बात करते हैं सी इंटर के अंदर नया करिकुलम। आपके पास 6 पेपर आ जाते हैं जो कि एफआर से शुरू होता है, फिर आपके पास लॉ का पेपर आ जाता है, उसके बाद तीसरा नंबर पेपर आपके पास आ जाता है टैक्सेशन का, और इसके अलावा आपके पास 3 और हैं जो ग्रुप 2 के हैं। ग्रुप 1 के अंदर ये आ जाता है टैक्सेशन का पेपर, पेपर नंबर 3। पेपर का वेटेज क्या रहता है? 100 मार्क्स का। अरे अभी ज्वाइन कर रहे हो क्या? मैं रुक नहीं सकता दोस्त। अब आते जाओ आप, अभी कुछ चल तो रहा है, बेसिक चल रहा है, ऐसे इंट्रोडक्शन, आते जाओ आप। जो लोग लाइव ज्वाइन हो रहे हो इतना लेट ना करो यार, 3 बजे आ जाया करो। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, चलो थोड़ा देर बाद बताऊंगा क्योंकि आप में से कुछ बच्चे बाद में आएंगे या आ रहे हैं अभी। तो हमारे पास टैक्सेशन के अंदर 2 तरीके के टैक्सेशन हमने पढ़ने को देखना है, डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अब डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आपके पास जो पढ़ना है उसका नाम है इनकम टैक्स। कई प्रकार के डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, कई प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जो आपको सी एंटर के सिलेबस के अंदर पढ़ना है वो है सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
जो कि आज के समय पे सबसे बड़ा मेजर इनडायरेक्ट टैक्स बन चुका है, बन नहीं चुका यही है, क्योंकि बहुत सारे पुराने टैक्सेस चला करते थे उसको 2017 के अंदर मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसी थी यहाँ पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, और उन्होंने इसी के अंतर्गत ये लेके आया था। हालांकि इसको आपके पास, मैं सिलेबस की बातें करता हूं बाकी बातें नहीं, 50 नंबर के लिए आपके पास डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स का पोर्शन रहने वाला है एग्जाम के अंदर, और 50 नंबर का ही इनडायरेक्ट टैक्सेस प्योरली 50% वेटेज। अर्लियर इट यूज्ड टू बी 40 और ये 60 नंबर का हुआ करता था, पर अब ये हट चुका है। ये आपके पास ओल्ड स्कीम था जहां पर 60 नंबर का डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स और 40 नंबर का आपके पास जीएसटी का पोर्शन हुआ करता था, बट अब की बार से आपके लिए सिलेबस में बराबरी का हिस्सा मिला है आपके इनडायरेक्ट टैक्सेशन और जीएसटी के इस सिलेबस के खूबसूरत को 50 नंबर का वेटेज दिया गया। इसके पीछे रिलेवेंस है, वैसे होना भी चाहिए था। आप सोच के देखो जीएसटी क्या है, मैं अभी आपको नहीं पता है, मान लो टैक्सेज जो होता है बिजनेस के दौरान होने वाली सारी ट्रांजेक्शन में रिलेवेंट रहने वाला एक टैक्स है, वो है जीएसटी। जब बिजनेस आपका खत्म हो जाता है, ईयर एंड आ जाता है, जब आपकी इनकम निकाल ली जाती है, उसके बाद इनकम टैक्स का काम शुरू होता है। ये आपके पूरे साल रिलेवेंट रहने वाला चीज है, ये साल में एक बार दो बार तीन बार चार बार या फिर कुछ पीरियड के लिए ही रेलेवेंट रह पाता। क्यों? जैसे टीडीएस का रिटर्न फाइल करना है तो आपके दिमाग में इनकम टैक्स का वो आता है, जब आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती तब काम आता है। ये सब चीज़ें कुछ कुछ इंसिडेंस ऐसे होते हैं जब आपको इनकम टैक्स की जरूरत महसूस होती है, अदरवाइज जीएसटी आपके डेली डे टू डे ऑपरेशन का पार्ट बन के चलेगा, इसीलिए आप इसको पढ़ेंगे सबसे खूबसूरत तरीके से, और उसकी जिम्मेवारी मेरे अंदर है, मेरे हाथ में, ठीक है। आपके पास 50 नंबर का पहले ये 40 नंबर का हुआ करता था, लेकिन अब की बार क्या करा इन्होंने, सब्जेक्ट के अंदर कुछ दो तीन चैप्टर्स बाहर से इंट्रोड्यूस किए, फाइनल वाले, बाहर से नहीं, मतलब बाहर से का मतलब ऐसा नहीं कि किसी कॉर्पोरेट लोग का उठा के यहाँ पे डाल दिया, ऐसा नहीं। 50 नंबर का अब ये पेपर बना दिया जा चुका है और इनकम टैक्स को घटा करके कर दिया गया 50 मार्क्स का। मैं जो चीज पढ़ाने वाला हूँ वो ये सब्जेक्ट रहेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेज। मैं डायरेक्ट टैक्स नहीं पढ़ाता, अब एक बात आप बताओ मेरे को आंसर चाहिए आप सभी लोगों से। आप यहां पर क्या स्कोर कर सकते हो, आप यहां पे क्या टारगेट रख रहे हो, स्कोर क्या करना कर सकते हो, ये आप मेरे को बताओ। मैं आपको बताऊं, ये टारगेट मैं रख रहा हूं आपके लिए, शुभम नालायक कह रहा बस पास हो जाए, पास नहीं होना, और ये मैं 50 में बोल रहा हूं 40 यानी 80%, इसी को आप कह सकते हो 80%। आप यहां आराम से स्कोर कर सकते हो, यानी सिर्फ और सिर्फ आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में इतने मार्क्स ला सकते हो कि आप टोटल का टोटल 100 मार्क्स का पेपर क्लियर कर सकते हो, 40 नंबर पासिंग तो आपके यहीं से बने, जो शुभम तुमने कहा था ना, हाँ ये 40 आपको लेके आने हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर, सो दैट इट बिकम्स अ पासिंग मार्क्स फॉर योर टैक्सेशन पेपर। पासिंग मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है आपको, एटलीस्ट 80% यहाँ पर स्कोर करना है। मेरा उम्मीद है आप जहां से भी इनकम टैक्स पेपर होगा ना, टैक्सेशन इतना खूबसूरत सब्जेक्ट होता है, आपको मजा ही आ जाएगा, आपको बहुत मजा आएगा यहाँ पर टैक्सेशन सब्जेक्ट पढ़ करके, और आपके आर्टिकलशिप के दौरान बहुत ज्यादा रिलेवेंट रहने वाला है ये इनकम टैक्सेशन, सॉरी इनकम टैक्स कह रहा हूँ, मतलब इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों, खास करके मेरा मानना है जीएसटी, क्योंकि जीएसटी आप रेगुलर बेट बिजनेस टू बिजनेस डे टू डे बिजनेस के अंदर आप यूज करने वाले हो, और इनकम टैक्स आपको साल में एक बार करना है, पर मजा उसमें भी बहुत है, इनकम टैक्स में बहुत मजा है, जीएसटी में बहुत मजा है, तो आप लोग खूब इंजॉय करना, खूब पढ़ना, तो ये टारगेट आपको लेकर के चलना है, और आप इजिली स्कोर कर सकते हो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर, खास करके मैं बता रहा हूँ सीए फाइनल का। अगर आप सेकंड ग्रुप का रिजल्ट कभी चेक करो जहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस का पेपर होता है, आप देखना 90% बच्चे जो है ना एग्जेम्पशन स्कोर करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के पेपर में, और यही काम आप यहां भी कर सकते हो।
90% सारे बच्चे नहीं कह रहा हूँ मैं, 90% ऑफ द टोटल नहीं कह रहा हूँ, मतलब जितने बच्चे एग्जामेशन दे, अगर कोई बच्चा बोलता है ना मेरे सेकंड ग्रुप में एक सब्जेक्ट में एग्जामेशन, उससे पूछो कौन से सब्जेक्ट में, वो आपको पक्की बात है बताएगा इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर बहुत एग्जामेशन आता है। यहाँ पे स्कोर करना आसान है, डेली यूज में आप बिजनेसेस के अंदर डेली यूज में आप इसे करते रहते हो तो आधा ज्ञान तो आपको आर्टिकलशिप के दौरान मिल जाती है। ठीक है, तो आर्टिकलशिप में ज्ञान तब मिलेगी या फिर आप इस ज्ञान का इस्तेमाल आर्टिकलशिप में कर पाओ, इसके लिए तैयार करना सी इंटर के लेवल पे, ये हमारा काम है और मैं इसे बेहतरीन तरीके से आपके लिए करके देने वाला हूँ। 50 नंबर का इनडायरेक्ट टैक्सेस का पेपर है और आप मिनिमम 80% स्कोर करने की प्रयत्न जरूर करोगे और आ जाएंगे, इतना मुश्किल नहीं है। अब आपको आगे की कहानी बताऊं तो आपके पास पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है। पेपर का पैटर्न है कि आपके पास MCQ और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, कई लोग इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बोलते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्या होता है, आप प्रैक्टिकल भी कह सकते हो बट लोग ज़्यादातर न्यूमेरिकल और डेटा बेस्ड फिगर वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिकल क्वेश्चन बोलते हैं, उसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोलते हैं अपन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन या फिर आप कह सकते हो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी हालांकि मैं बोलूं MCQ के अंदर भी केस स्टडी बनाए जाते हैं, यानी एक पूरा का पूरा केस सिनेरियो दे दिया गया, ऐसा ऐसा बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ और उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस वो बनाते हैं जो कि आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, आपको कैलकुलेटर पे या फिर क्वेश्चन के बगल में या फिर रफ पेपर रफ पेजेस के अंदर सॉल्व करने पड़ते हैं, आपको उससे कुछ कंप्यूट करके एक वैल्यू निकालनी पड़ती है और वो आपके MCQ का सही जवाब होता है। तो केस स्टडी ऐसा नहीं है कि आपको 70% में भी आएगा, ये 30% वाले क्वेश्चन के अंदर MCQ के अंदर भी केस स्टडी आ सकते हैं, इस तरीके से पूछा ही जाता है रेगुलर बेसिस पे, तो इस चीज का आप रखोगे ध्यान। अब कुछ बातें हम कर लेते हैं, ये तो रही पेपर संबंधित बातें। अब बात करते हैं हम कौन सी बुक पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन बैंक कहां से होगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं मटेरियल्स, ये आपको लिखना नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूं, सारी बातें मैं बताऊंगा अभी क्या लेक्चर के अंदर, अभी आपको बता देता हूं मैं। अब बात करते हैं मटेरियल्स की। मटेरियल में आपके पास ICI की मॉड्यूल होनी चाहिए। ICI की मॉड्यूल बोलते ही कईयों के दिमाग रुक जाते हैं कि इतना लेंदी, इतने सारे मॉड्यूल्स में बटे हुए हैं किताब, क्या हमें इतना कुछ पढ़ना है। ICI की मॉड्यूल है यहां लिखता हूं, हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है, बहुत छोटी है और किफायती। अब हिंदी में लिखना मुश्किल होता जा रहा मेरे लिए, किफायती ठीक लिखा मैंने, ऐसा यो है कि चौ है पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। किफायती क्यों है, क्योंकि आपके क्वेश्चन यहीं से बन के आते हैं, आप तिक्रमबाजी कर लो कितना भी, क्वेश्चन यहीं से बन के आएंगे, प्यारे प्यारे क्वेश्चन, और आप क्या करते हो एकदम हनुमान बन रहे होते हो, पता नहीं क्या हमें तो 30 मार खान बनना है और आप बड़े बड़े क्वेश्चन लगा करके जाते हैं और वो पूछते हैं आपसे क्या, आराम आराम से पिद्दू पिद्दू सा क्वेश्चन पूछेंगे सी एंटर के अंदर, बस आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए, कोई रट्टाफिकेशन काम नहीं आएगा। हालांकि कुछ हद तक सी एंटर के अंदर या फाइनल के अंदर, मतलब सी ए करिकुलम ऐसा है, कुछ ना कुछ रट्टा आपको मारना पड़ता है, बट सब कुछ रट्टे से नहीं होगा, ध्यान रखना आपको यहाँ पर बहुत प्यार से पढ़ना है, समझना है, फीलिंग लेनी है टैक्सेशन की, और टैक्सेशन कोई 30 मार्क खाने वाली चीज नहीं है, टैक्सेशन आप खुद बना सकते हो। बेसिकली अब मैं बताऊं आपको, किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा, क्या आप इसको फांसी पर लटका दोगे? कानून आपको बनाना, आप बताओ, आप क्या फांसी पर लटका दोगे? नालायक कुछ लोग कह रहे हैं हाँ लटका देंगे, आप उसको फांसी पर नहीं लटकाओगे, उसके लिए छोटा सा पेनल्टी होगा। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया या फिर आतंकवादी हमला करा तो आप फांसी का प्रोविजन बनाते, या फिर ऐसे इस तरीके से आप कानून, आप खुद समझदार हो कि कहां पर क्या होना चाहिए, जो आपका कॉमन सेंस है वही लॉ मेकर का भी कॉमन सेंस है। लॉ मेकर जब कानून बनाता है तो वो भी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करता है और उसी के हिसाब से लीगल ड्राफ्टिंग करता है, बस आपको
जहां पे आप किसी चीज के लिए बोला कि 10% का पेनाल्टी लगेगा या एक सर्टेन अमाउंट देते 25,000 का पेनाल्टी लगे, तो वहां पे आपको पेनाल्टी का नंबर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि छोटा अमाउंट ज्यादा नहीं लेते हैं, टैक्स इससे हम ज्यादा नहीं ले पाएंगे या पेनाल्टी हम ज्यादा नहीं लेते। अब ज्यादा नहीं का, ज्यादा का कोई मतलब थोड़ी ना होता है, ज्यादा किसी के लिए 10,000 हो सकता है, किसी के लिए 10 लाख हो सकता है। तो वहां पर एक फिगर जो कि पता नहीं होता हमें, तो वहां पर फिगर आपको जहां जहां आएंगे वहां याद रखना पड़ेगा, बाकी हर चीज को आपको याद नहीं रखना है, कॉमन लॉजिक से क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। तो कुछ हद तक रटाफिकेशन चलेगा, बट ज्यादातर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। ठीक है, इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल जैसे मैंने बोला, तो बहुत मोटी आप क्या देखते हो, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल आपके पास ऑलरेडी है, वो उसका आप वजन चेक करते हो। इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में इतना कुछ नहीं है, मैंने जो लास्ट बैच भी कराई थी फिर से कराऊंगा। आपको क्या करना है पता है, जैसे ये मैंने कुछ लिखा हुआ है, जो चीजें मैं हाईलाइट करके रखता हूं, आप ये मत सोचना आपको भी यहीं से पढ़ना है। वैसे मैं आपके लिए क्या करूंगा, इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल पढ़ाने का मेरे पास एक तरीका है। तरीका क्या है कि मैं आपको चीजें बताता तो हूं, पूरा ज्ञान दूंगा, इसके अंदर क्या क्या लिखा होगा एक एक लाइन में बता दूंगा आपको, लेकिन ये सारी चीजें आपको लिखना नहीं है, ये सारी चीजें आपको याद रखना नहीं है, बस आपको ये पॉइंटर्स पता रहने चाहिए, ये हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं इस पूरे पैराग्राफ के, इस पूरे हेडिंग के अंदर आने वाले सारे कंटेंट का, ये जो है जो ऑलरेडी मैं हाईलाइट करके आपके पास लेके आता हूँ पहले से। इसका रेलेवेंस क्या रहेगा कि आप क्या करोगे मेरे साथ जब मैं पढ़ा रहा हूँगा, तो आप कुछ मत करना, फटाफट से इसे आप हाईलाइट कर लेना, आपके पास एक हाईलाइटर होना चाहिए, इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल होनी चाहिए। आप सिर्फ इतने पॉइंटर्स अगर याद रखते हो ना, तो आप इसको रिविजन करने में आपको पता कितने सेकेंड लगने वाले हैं, मुश्किल से 5-8 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, आपको खुद ब खुद पता चल चुका होगा, क्योंकि आप जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले तो उसके बाद सिर्फ आप एक बार देखते हो ना, तो आपको पता होता है अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, आपको सारी चीजें दिमाग में घूमना शुरू हो जाएगी। ये पूरे चैप्टर पूरे बुक के अंदर एक पूरे पेज के अंदर 1.3 सिर्फ आपको दो लाइनें लिखी हुई है जो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये मत समझना कि मैं सिर्फ हाईलाइटिंग पॉइंट बता रहा हूँ, बाकी चीज तो छूट जाएगी ना, एक एक चीज कवर्ड है, उसके अलावा जो चीजें हैं वो कवर्ड है ही नहीं, वो बाहर है, या तो आपके इंस्टीट्यूट ने वैसे ही दे रखा है, या फिर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो वहां से मैंने हाईलाइट नहीं करके रखा हुआ है। और वो क्रक्स है पूरे मटेरियल का, यानी जिसको आप शॉर्ट समरी या शॉर्ट नोट्स कहते हो ना, ये वो ऑलरेडी बना बनाया है, तो आप ये मत समझना कि आपके लिए कंटेंट बहुत बड़ा हो जाएगा, या फिर कुछ कंटेंट शॉर्ट करने के चक्कर में मैंने हटा रखे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ कवर्ड है इसके अंदर ऑलरेडी पहले से। तो ICI की मॉड्यूल से हम लोग पढ़ाई करेंगे, आप सबके पास अपना इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल होना चाहिए। हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अलावा, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल आप खुद रखोगे, हम आपको देंगे क्वेश्चन बैंक फॉर प्रैक्टिस। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक डले हुए होते हैं, अगर आप देखोगे ना सबसे लास्ट में आ जाओ इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल पे, किसी भी चैप्टर के सबसे एंड पर आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने क्या करा, टेस्ट योरसेल्फ नाम का एक 1.47, ये इंस्टीट्यूट ने आपके लिए नया मटेरियल ऑलरेडी रिलीज कर रखा है, ये वही है May 24 के लिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखना बताता हूँ बाद में, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं इन्होंने, 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, पहला चैप्टर के अंदर, और 10ों के आंसर भी हैं। पर आप क्या करोगे ना, रट्टा मत मारना, ना ही इसको ऑडिट करना है, इसको आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। बनाने हैं कहाँ पर, देखो कुछ तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे जो आपको बाय डिफॉल्ट लगने लगे कि अरे ये तो मुझे आता ही, अच्छे से आता है, मैं एक एक लाइन लिख सकता हूँ। कुछ कंटेंट ऐसे होने वाले हैं जो आपको मैं रटवा दूंगा, जो इतनी बार बताऊंगा ना इतनी बार, और वो इतनी बेसिक चीज है कि आपको याद होना जरूरी है। कहता हूं ना मैं रट्टा नहीं मारना, पर कुछ चीजें बेसिक है ना, रट्टा इसलिए मारना पड़ता है ना कि कई बार जैसे आप अभी आपको नहीं पता, पर कुछ जैसे कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है, आप बताओ कॉन्ट्रैक्ट जब आप पढ़ रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आपको याद हो गई थी या नहीं हो गई थी? ऑब्वियसली याद हो गई थी, क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही बेसिक है, कहीं पर भी आप जाओगे तो फटाफट बोल करके निकल जाओगे, थोड़ा सा हावा बनता है, थोड़ा मजा आता है, माहौल तैयार होता है, इसीलिए कुछ चीजें तो आपको याद हो जाएंगी, बाकी आपको क्वेश्चंस बनाने भी हैं। बनाने हैं कहाँ पर, क्लासेस के अंदर भी और क्लासेस के बाहर भी, आपको घर से भी कुछ चीजें बनाकर लानी पड़ेंगी कई बार, और बाकी हम कोशिश करेंगे आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएं। आपको क्वेश्चन बनाने से एक और चीज होती है कि आपको पैटर्न पता चलता है आंसर राइटिंग के, ये इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, इंस्टीट्यूट किस तरीके से आंसर को ड्राफ्ट करता है, ये आपके दिमाग में प्रोसेस चलना शुरू होता है।
आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस के अंदर ना लिखा होता है एग्जामिन करके, वर्ड शुरू होगा एग्जामिन करना या फिर एक्सप्लेन करना या फिर कंप्यूट करना, तो आपको ये समझ में आना लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से बनाना है। देखो कहीं पे तो इन्होंने लिखा है जैसे क्या, डिस्कस करने के लिए बोला है, तो डिस्कस जब भी करना है तो आंसर किस तरीके से लिखना है, आप ये आंसर प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा डिस्कस का मतलब क्या था इंस्टीट्यूट का, ठीक है। यहां पे लिखा है एलेबोरेट करने के लिए, यहां डिस्कस करने नहीं बोला है, पर डिस्कस जैसा ही सिनेरियो कुछ तो बनेगा ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। यहां पे उन्होंने कुछ कमोडिटी के नाम पूछे हैं, व्हिच आर केप्ट आउटसाइड ऑफ द परव्यू ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी के बाहर रखा गया है। एग्जामिन द स्टेटस, आज के डेट पर उसका क्या स्टेटस है ये एग्जामिन करने के लिए बोल रहा है, यहां डिस्कस करने के लिए बोला है। तो इस एग्जामिन का मतलब क्या, इंस्टीट्यूट ने किस तरीके से एग्जामिन किया, ये आपके हर सब्जेक्ट में काम आएगा मैं बता रहा हूं आपको, ये चाहे जीएसटी का हो, चाहे कॉस्टिंग हो, चाहे एफएमएसएम हो, चाहे ऑडिटिंग हो, लॉ हो, एफआर हो, कोई सा भी पेपर हो, हर जगह काम आएगा। इवन टैक्सेशन का पेपर हो, डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, ये आपके हर जगह काम आने वाले हैं। ये तो हो गए, आपके इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी क्वेश्चंस दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट मजे लेता है नए इंट्रोड्यूस किया इन्होंने क्विज टाइम। अब ये आपसे क्विज क्विज खिलवा रहे हैं, जो टॉपिक आप कंप्लीट करोगे वहां पे एक छोटा सा क्विज आपको मिल जाएगा, जहां पे चार ऑप्शंस दिए होंगे और आपको केबीसी का कौन बनेगा करोड़पति बनना है, और यहां पर आपको रिप्लाई करना है इन सभी क्वेश्चंस के। इसके अलावा आपको पता है आईसीएआई बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी आपकी बुक में इंकॉर्पोरेट करके रखे हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स कई सारे जगहों पर मुझे करना पड़ेगा क्योंकि इंस्टीट्यूट ने वो कवर नहीं कर रखे होंगे। इंस्टीट्यूट बहुत डिटेल में नहीं जाती, पर काफी डिटेल में गई हुई है, पर बहुत डिटेल में नहीं, ठीक है। कई जगह आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, कई जगह नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी एग्जाम्पल्स डाल रखे हैं, भर भर के डाल रखे हैं, तो कोई भी चीज इंस्टीट्यूट ने यूं ही नहीं बताई है, उन्होंने उसका साथ एग्जाम्पल भी दिया है, कई जगह इस तरीके से इलस्ट्रेशन भी डालते हैं ताकि आपको थोरो अंडरस्टैंडिंग हो सके उस सब्जेक्ट की, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, चाहे ये इनकम टैक्स की बात कर लो, जीएसटी की बात कर लो, किसी भी टैक्स की बात कर लो, हर जगह उन्होंने इसी तरीके से क्वेश्चंस ड्राफ्ट किए। यहाँ पे देखो क्वेश्चंस, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल बना के दे दिया। अब आप बताओ आपके लिए इंस्टीट्यूट कितनी मेहनत करता है, आपके लिए बुक इस तर्ज पर बनाई गई है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप ये बात ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट आपसे ये उम्मीद करता है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उस तर्ज पर बुक बनाती है, लेकिन इंस्टीट्यूट के अंदर मटेरियल में कुछ कमियां रह जाती है और कुछ इंटीग्रेशन की कमी है। एक चैप्टर के अंदर कुछ लिखा हुआ है, रेफरेंस आ रहा है दूसरे तीसरे चौथे चैप्टर के अंदर, ठीक है, तो वहां से कंटेंट को यहां पर इंटीग्रेट करना ये मेरा काम। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में बहुत सारी चीजें हैं जो कई बार मल्टीपल टाइम्स लिखी हुई है, जैसे डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको जो चैप्टर वन के अंदर डेफिनेशन मिलेगा चैप्टर टू में भी सेम मिलेगा, चैप्टर थ्री में भी मिल सकता है, चैप्टर फोर में मिल सकता है, तो इसकी वजह से बुक क्या होता है, बुक का लेंथ बड़ा हो चुका है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल बहुत बड़ा नहीं। तो मैंने अभी तक आपको बताया क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा था, तो क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं जो आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा, और बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको करवा के चलूंगा खुद अपनी तरफ से, ठीक है। आपके पास इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा आपकी तैयारी बेहतर हो सके, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो, इसके लिए आपको जरूरी है कुछ क्वेश्चंस की अलग से प्रैक्टिस करना। कुछ क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चन, आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से पढ़ लिया, आपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन बना लिए, इसके बाद भी आपके पास कई सारी चीजें बच जाती हैं। पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस पेपर, पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस, पास्ट मॉडल टेस्ट पेपर या रिविजनरी टेस्ट पेपर आरटीपी जो इंस्टीट्यूट इशू करती है, वो एमसीक्यू बुकलेट्स, केस सिनेरियोज,
ये सारी चीजें करके आप क्या करोगे, अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लोगे कि मैंने तो पढ़ लिया, मैंने इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल्स भी बना ली, मैं तो तैयार हूँ। अब क्या मैं क्वेश्चन सच में जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं क्या मैं उनको सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं, ये चीज चेक करने के लिए आपको करने पड़ेंगे ये सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। एमटीपी आरटीपी में किस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो देखना पड़ेगा, आरटीपीज को देखना पड़ेगा, और इन सभी चीजों को हमने कंपाइल कर रखा है अपने कंपाइलर के अंदर, जिसको मैं कह सकता हूं क्वेश्चन बैंक भी कह लो, जो भी कह लो आप। ये आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, आईसीआई की मॉड्यूल आपके पास खुद की होनी पड़ेगी, मैं प्रोवाइड करूंगा आपको क्वेश्चन बैंक। ये अगर आप कर लेते हो ना तो आप 100% तैयार हो चुके होंगे इंस्टीट्यूट को फेस करने के लिए। कुछ चैप्टर्स जो नए आए हैं उसके क्वेश्चन आप कहां से करोगे, वो तो पास्ट एग्जाम में नहीं पूछे गए, एब्सोल्युटली नहीं पूछे गए, इसीलिए हमने इनकॉर्पोरेट कर रखा है कुछ सीए फाइनल के उन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस, या फिर छोटे छोटे फॉर्म में हमने खुद बनाए हैं क्वेश्चंस वो, और साथ में कुछ हर सब्जेक्ट के अंदर आपको हर चैप्टर के अंदर 2-3-4 क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपके मॉड्यूल में या कहीं भी और कवर्ड नहीं होगा। इसे बोलते हैं हाई क्वालिटी क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको आपने कर डाला तो झिंगा लाला बजा डाला, क्या बोलते हैं, एक वो चलता था ना पहले टाटा स्काई लगा डाला तो क्या कर डाला, कुछ तो ऐसा बोलते थे, एक चला करता था पहले कुछ। तो ये आपके क्वेश्चन बैंक का पार्ट रहने वाला है और ये हम आपको प्रोवाइड करके चलो। इसके अलावा आपको कोई मॉड्यूल नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का मटेरियल नहीं चाहिए आपके लिए। जैसे ही टॉपिक्स या चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं मैं आपके लिए एक रिवीजन वीडियोज भी शूट करता रहूंगा। अभी या चाहो ना तो आप सीए के नवंबर 23 के लिए जो हमारे मटेरियल्स के इसी मटेरियल से मैंने अभी पिछली क्लासेस भी ली थी, ठीक है, नवंबर 23 के लिए, आप वहां से चाहो तो रिवीजन वीडियोस क्या हो सकता है, जैसे जैसे मैंने चैप्टर कराता जाता हूँ आप रेगुलरली रिवीजन करोगे ना तो आपको चीजें याद रहेगी लंबे समय तक, अदरवाइज आप भूल जाओगे। तो वैसे मैं आपके एग्जाम के लिए अलग से लेकर के आऊंगा आपके लिए, और एग्जाम से काफी पहले ही ले आऊंगा, आपको दे दूंगा मैं, यूट्यूब पर बाद में आएगी। तो यहां पर रिवीजन लेक्चर्स जो है वो भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे ताकि आप चीजें भूल ना जाओ। और वो कहाँ मिलेगी आपको, आपकी अपनी ही ऐप पर जहां से आप ये वीडियो देख रहे हो लाइव ऑन ऐप, आप जहां देख रहे हो वहीं पर मिल जाएगी, या फिर आप जाकर के देख सकते हो इसे यूट्यूब पर यूट्यूब पर वो बाद में आएगी, आपके लिए मटेरियल हम पहले ही इशू कर देंगे। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको आपके ऐप के अंदर मिल जाएगी। मैं चाहूं तो एक बार आपको ऐप का दर्शन करवा लाऊं क्या, करवा देता हूं। अच्छा आपको दिख नहीं रहा ना, एक सेकंड, यहां पर आप आओगे सीए फाइनल का, ये अभी सीए फाइनल की भी हमारी बैचेस शुरू हो गए, अगर आपके जान पहचान के हो तो आप उनको बता सकते हो। वो भी कहाँ से चलेगी, इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल से चलेगी, और ये रिकॉर्डेड है आपके लिए जो चल रहा है वो लाइव ऑन ऐप, यहाँ से आपने अभी एंट्री ले ली होगी।
इसके अंदर जो चीज़ें हैं मैं एक बार ज़रा जूम करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ आ रही है। इंस्टीट्यूट की आपकी जो बुक है यहाँ पर लिखा है मैंने विथ रेलेवेंट मॉडिफिकेशन, व्हाट डज दिस मीन, कि कुछ चीज़ें आपके लिए चेंज हो रहा है, क्योंकि ये बुक जो है उसकी अपडेशन कब तक है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर कुछ रेलेवेंट मॉडिफिकेशन से लाइव बैच चलेगा 5 सितंबर यानी आज से शुरू हो चुका है ऑलरेडी, आप जान ही रहो। टेस्ट होगा हर संडे को, सैटरडे आपकी क्लासेस नहीं है, यानी मंडे टू फ्राइडे चलेगी क्लासेस, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। 100% बैकअप आपको मिल जाएगा लाइव क्लासेस के अंदर, यानी अगर आप अभी लाइव देख रहे हो, जो लोग देख रहे हो मुझे पता है अभी भी मुझे दिख रहे हैं कि सारे बच्चे लाइव नहीं है जितने एडमिशन में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एनीवेज, तो कुछ बच्चे हैं जो बाद में या तो क्लासेस ज्वाइन करेंगे, 100% यहाँ पे बैकअप मिल जाएगा, आप बाद में चाहो तो देख सकते हो, यानी जब क्लास खत्म होती है उसके 2-3 घंटे के अंदर ये अपलोड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज कहाँ क्या रहने वाला है, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं इंग्लिश और हिंदी ऐसे मिक्स करके चलेंगे। नंबर ऑफ लेक्चर्स रहने वाले आपके पास 40, जिसके ड्यूरेशन से 2.5 घंटा ईच लेक्चर, 2.5 आवर्स ईच लेक्चर, यानी 100 आवर्स टोटल रहने वाले हैं। वैलिडिटी जो रहेगी वो है 30 अप्रैल 2024 तक, यानी आपके एग्जाम तक 1 मई से स्टार्ट हो जाएगा, मैं अप्रैल एंड तक ये वैलिड रहेगा क्लासेज। स्टडी मटेरियल क्या होगा, क्वेश्चन आंसर कंपाइलर जो होगा वो हम देंगे आपको, रायसे मॉड्यूल जो है वो आपको खुद ही अरेंज करना है। सिस्टम की रिक्वायरमेंट लिखी हुई है जो कि आपको किसी भी नॉर्मल सिस्टम पे सब जगह चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास रिक्वायरमेंट थी। उसी तरीके से सीए फाइनल का हो, और ये पुराना बैच है जो सीए इंटर का सिर्फ नवंबर 23 के लिए हमारी आई थी पीछे, उसकी बात है। अब बात कर लेते हैं अमेंडमेंट्स की। आप अगर एग्जाम दे रहे हैं मई 24 के अंदर या फिर नवंबर 24 के अंदर, आई अज्यूम कि आप सब मई 24 वाले हो, नवंबर 24 जस्ट ऐसे लिखने को लिख देते हैं हम, कोई बात नहीं। तो आपके लिए जो जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट नोटिफिकेशन है सर्कुलर से, कब तक की अमेंडमेंट आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट रहेगी, हम इसकी बात करते। तो यहां पर आपके लिए एग्जाम से 6 महीने पहले तक की अमेंडमेंट आपको पढ़नी होती है, एग्जाम से 6 महीने पहले, यानी मई 2024 में अगर आपका एग्जाम है तो उससे 6 महीना पहले कब आएगा, मई से पहले अप्रैल हटा दो, मार्च हटा दो, फरवरी हटा दो, जनवरी हटा दो, दिसंबर हटा दो, नवंबर हटा दो, ये आ गए 6 मंथ, 5+1=6, नवंबर तक, नवंबर या उसके बाद, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये अमेंडमेंट आपको नहीं पढ़ने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर एंड तक के अमेंडमेंट पढ़ने हैं, यानी 31 अक्टूबर 2023 तक के अमेंडमेंट पढ़ने हैं, अगर आप मई 24 के अंदर अपीयर हो रहे हैं। अगर आप नवंबर 24 के अंदर अपीयर होगे तो आपके लिए हो जाएगा 30 अप्रैल 2023 तक की आपको सारी अमेंडमेंट कवर करनी पड़ेगी, 30th of April 2023, क्योंकि अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 6 महीने की अमेंडमेंट नहीं पढ़नी, नवंबर में आपका एग्जाम ही हो जाएगा। उसी तरीके से मई के लिए आपका 6 महीने पहले, यानी 31 अक्टूबर 2023 तक के अमेंडमेंट आपको सारे कवर करने हैं, अगर आप मई 24 के अंदर अपीयर हो रहे हो तो। अब जब आप ये मटेरियल खोलोगे ना इंस्टीट्यूट की, आपके पास भी है, तो यहां पर एक चीज देखना, इस बुक के अंदर जितने भी अमेंडमेंट हैं वो सारे हैं 30 अप्रैल 2023 तक के अमेंडमेंट कवर किए गए हैं, उसके बाद के अमेंडमेंट कवर्ड नहीं है। 30 अप्रैल 2023 तक के अमेंडमेंट आपके पास कवर्ड है, यानी कि अप्रैल से अक्टूबर तक के बीच कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं जो आपके मॉड्यूल में कवर्ड नहीं है, छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं, ना के बराबर से अमेंडमेंट है। आपको एक एक लाइन का ऐसे होगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मान लो कोई एक पर्टिकुलर फिगर जिसके लिए 25,000 पेनाल्टी है, ठीक है, तो अब इसको 25,000 को काट करके अब आप कर दोगे, मान लो इसका अमाउंट कर दिया उन्होंने 20,000, तो बस ये आपको अमेंडमेंट करना है। आपके बुक के अंदर कई जगह, कुछ जगह पर, मतलब नॉट कई जगह,
कुछ एक सर्टेन जगह है जहां पर इस तरीके की आपको अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी, कांटा लगाना पड़ेगा छोटू सा। तो मैंने आपको अमेंडमेंट की भी बात बता दी। सी एंटर की जो हमारी क्लासेज है, अगर आपके कोई फ्रेंड वगैरह भी देख रहे हो तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये रहने वाली है इसके डेमो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। तो आपके कोई फ्रेंड्स अगर चाह रहे हो डेमो लेक्चर्स देखना तो वो वहां से भी देख सकते हैं। ये सारे लेक्चर्स जो अभी लाइव चल रही है ऐप पर, ये हम उठा करके एज इट इज यूट्यूब पर डाल देंगे। हमने अमेंडमेंट की भी बात कर ली और एक चीज बताता हूँ आपको। आपको मैंने बोला था क्वेश्चंस कुछ बनाने हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, कुछ क्लासेस के अंदर और कुछ घर पर। आपके पास एक नोट होना चाहिए, नोटबुक रखो और आप अपने पास पेन रखोगे। मैंने उल्टा लिख दिया, पहले नोटबुक तो लिखना है मेरे को। इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल रखोगे और एक नोटबुक रखोगे। नोटबुक के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स, या फिर चार्ट्स या डायग्राम्स मैं आपको बनवाऊंगा क्लासेस के अंदर, मैं लिखवाऊंगा, चार्ट ड्रॉ करवाऊंगा, डायग्राम ड्रॉ करवाऊंगा, तो आपको कुछ तो वो लिखने होंगे। उसके बाद आपको यहां पर क्वेश्चंस बनाने हैं। इन सब चीजों के लिए आपके पास होना चाहिए एक हाइलाइटर, एक मिनिमम बता रहा हूं मैं, मिनिमम टू पेन, और मैं रिकमेंड करूंगा आप एक ब्लू ले लेना, सॉरी ब्लैक ले लेना। ब्लैक तो फॉर श्योर है, क्योंकि आपके एग्जाम की प्रैक्टिस होगी, आपको देखने को लिखने को, आपके दिमागों को, मसल्स को, उंगली तक को आदत पड़ जाएगी ब्लैक पेन की, क्योंकि आपको एग्जाम में उसी से लिखना है। दूसरा है आपके पास एक रेड पेन होना चाहिए। आप दो से अलग अधिक अगर करना चाह रहे हो तो पिंक या ग्रीन कलर का भी यूज कर सकते हो, तीन या चार भी अगर आप चाहो तो कर लेना, अदरवाइज दो तो मिनिमम आपके लिए मैंडेटरी है, ये तो आप जरूर जरूर से करके चलोगे। ये मॉड्यूल आप लोग कहाँ पे देख रहे हो मेरे को एक बार बताना जरा कमेंट में। ये लेक्चर आप कहाँ देख रहे हो, मोबाइल पर या फिर अपने लैपटॉप के ऊपर? मोबाइल, दिव्यांश लैपटॉप पे देख रहे हैं। 50-50 आंसर दिख रहा है, वैसे आंसर बहुत सारे तो नहीं आए। अरे एक बात बताओ, लिखने में कंजूसी ना करा करो भाई, तुम्हारा अधिकार है, कुछ भी टाइप करो, कुछ भी नहीं करना है, मतलब बकवास नहीं, काम की बातें टाइप करते रहो। तो जितनों ने आंसर दिया, लगभग 12-13 स्टूडेंट्स है जिसने, कुछ तो लैपटॉप वाले हैं, कुछ मोबाइल पर देख रहे हैं। अगर आपके घर में लैपटॉप नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं खरीदना, आप मोबाइल पर देखो, नो डाउट। पर अगर आपके पास सुविधा है, अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप जरूर जरूर से प्रेफर करो उसको बड़े स्क्रीन पर देखने की। अच्छा लगता है, थोड़ा सा माहौल बनता है, ऐसा लगता है ना, और स्टडी टेबल पर आराम से बैठ के पानी वानी लेकर तो बैठो और तब देखना शुरू करो क्लासेज अनइंटरप्टेड। एक चीज़ और बता रहा था मैं, कुछ चीज़ें मुझे खास बतानी है, क्योंकि ये लाइव क्लासेज होने वाली है और ऑलरेडी मुझे फर्स्ट क्लास के अंदर दिख गया और पिछले बैचेज का भी अनुभव है। तो ये होता है अक्सर लाइव क्लासेज के अंदर, आप क्या करते हो, हमें तो अधिकार मिल गया है, कल देख लेंगे, आ तो जाएगा ही क्लासेस, परसों देख लेंगे। इस चीज से बचना, वरना ये लाइव क्लासेस आपके लिए श्राप साबित हो सकता है। श्राप, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत बुरा एडिक्शन बन जाएगा आपके पास, हर सब्जेक्ट में आप यही करना शुरू कर दोगे। तो आप ये चीज मत करना। अटेंड करोगे आप शार्प 3 PM पे, आप हमेशा मौजूद रहोगे 3 PM पे, 3 से 5:30 चलेगी ये क्लासेज, तो आप यहाँ पर मौजूद रहोगे। कुछ बच्चे हैं आज भी आए हैं 3:32, 3:33, 3:35, 3:37, आपके लिए मैं अगर 3 मिनट रुकूंगा ना, तो जितने बच्चे हैं इंटू 3 इतने मिनट्स का बर्बादी होता है। तो प्लीज़ ऐसा ना करो, आप टाइम पे आ जाए करो और रेगुलरली
सारे कंटेंट आप लाइव देखने की कोशिश करो। अगर कुछ छूट जाए, अगर 3 to 5:30 के अंदर किसी कारण बस किसी दिन ना हो पाए, तो आप एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि वो 1.5-2 घंटे के अंदर डल जाएगी, तो आप उसी समय देख लिया करो। इग्नोर मत करो कि कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, अगला संडे को तो मेरे पास पूरा दिन टाइम है, पूरे दिन में तो 4 लेक्चर देख ही लूंगा, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ वो हो नहीं पाएगा, आप अगला संडे को ना एक भी लेक्चर नहीं देख पाओगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। इसीलिए साथ के साथ निपटाते जाओ। अगर आप बैकलॉग क्रिएट करोगे, हर सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ जीएसटी के लिए नहीं बता रहा हूँ, हर सब्जेक्ट के अंदर आपके लिए वो बैकलॉग एक बोझ बनता जाएगा जाएगा जाएगा। लास्ट में आप क्या करोगे, अरे यहाँ से क्वेश्चन थोड़े पूछेगा, इसको नहीं पढ़ते हैं, आपके पास ये हालत हो जाएगी और क्वेश्चन वहीं से आएंगे। जीएसटी जो है ना, ये वैसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया, कोई एक छोड़ दिया, कोई पढ़ लिया। हर टॉपिक इंटीग्रेटेड है एक दूसरे से। आप अगर जीएसटी में सप्लाई पढ़ नहीं रहे और आप चाहोगे कि मैं आगे कोई सब्जेक्ट कर लूं, आप पूरा का पूरा जीएसटी नहीं कर पाओगे। मैं जो आज चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, इंट्रोडक्शन में गारंटी के साथ दे रहा हूं, यहां से मुश्किल से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, मुश्किल से, शायद अगर पूछ लिया तो, अदरवाइज ये भी नहीं पूछेगा। पर फिर भी अगर मैं ये चैप्टर नहीं कराऊं ना, तो आपके आगे के कोई चैप्टर खत्म ही नहीं होंगे। ये चैप्टर बेसिस है सभी चैप्टर्स का, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जो चैप्टर आएगा, चैप्टर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी, अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा तो विश्वास मानो आपकी जीएसटी की आत्मा मर गई। आप कभी कभी जिंदगी में बिना सप्लाई चैप्टर को छुए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, आज नहीं सीए फाइनल के अंदर भी नहीं पढ़ पाओगे, इतना इंटीग्रेटेड है। मैं कहता हूं, जब मैं कहता हूं जीएसटी एक बिजनेस के ऊपर लगने वाला टैक्स है, ये डे टू डे यूज में होने वाला टैक्स है, हालांकि बिजनेस के ऊपर कहने का वो मतलब नहीं था मेरा, अभी पता चल जाएगा आपको इसके ऊपर लगने वाला टैक्स है, कुछ ही समय की बात है, ज्यादा नहीं। अगर आप वो कर रहे हो और आपने इनवॉइस का चैप्टर नहीं पढ़ा, आपको यही नहीं पता इनवॉइस क्या होता है, तो इनवॉइस का अगर चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालना है, सारे चैप्टर लिंक्ड है, इनवॉइस से टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर लिंक्ड है, टाइम ऑफ सप्लाई से ही वैल्यूएशन का चैप्टर लिंक्ड है, टाइम ऑफ सप्लाई से ही पेमेंट ऑफ टैक्सेस का चैप्टर लिंक्ड है। सारे चैप्टर्स एक दूसरे से को रिलेटेड हैं जीएसटी के अंदर। अगर आप ये चाहोगे कि मैं ये 2 चैप्टर नहीं पढ़ता हूँ, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो विश्वास मानो आप फिर कुछ भी मत पढ़ना, वहीं छोड़ देना, आप अगले अटेम्प्ट की तैयारी कर लेना वहीं पर, आप अगले अटेम्प्ट की तैयारी शुरू कर देना उसी समय जब आपने एक चैप्टर छोड़ दिया। तो छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, हालांकि आपके पास अवेलेबल रहेगा, किसी कारणवश अगर आप नहीं कर पाते हो 2-3 दिन, मान लो तबियत खराब हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गई और समथिंग लाइक दैट, इसी केस में आप छोड़ोगे या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया, तो अदरवाइज अगर आपका दिन को क्लास छूट गया ना 3 से 5:30 के अंदर, तो आप उसी दिन रात को कर लो एज सून एज पॉसिबल, यानी नेक्स्ट क्लास जब अगले दिन होगा 24 घंटे आपके पास, 24 घंटे के अंदर निपटा लो किसी भी कीमत पर। दोस्त बैकलॉग क्रिएट मत करना, ये मैं बता रहा हूँ आपके आपके हित में नहीं हो बैकलॉग क्रिएट करना, ठीक है। और अभी हम ये बात करते करते 42 मिनट हो चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है मैंने सब कुछ कवर तो कर ही लिया, कुछ बचा नहीं है मेरे पास। रही बात डाउट्स की, अगर आपके पास डाउट आते हैं तो आप क्या पूछ सकते हो, आराम से पूछ सकते हो। कब पूछ सकते हो, किसी भी वक्त आप मैसेज कर सकते हो, अगर आपका डाउट छोटा रहा तो मैं वहीं पर रिप्लाई मार दूंगा। कहाँ पर, या तो आप मेरा फ़ोन नंबर ले लो, इसके लिए आप यहाँ पर जो लोग नए बैचेस देख रहे हो या नया लेक्चर लेने के लिए कोशिश कर रहे हो, वो लोग भी कॉल कर सकते हैं, या क्वेश्चंस आप व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे, या फिर आप अपने ऐप के अंदर जो चैट सेक्शन है वहां पर भी आप कुछ क्वेरी डाल सकते हो। उसको मैं डायरेक्टली मैं खुद हैंडल करता हूं, तो मैं आपको उसी समय अगर वो लिख के टाइप करने वाला आंसर होगा तो मैं वहां कर दूंगा, चाहे यहां पर कर दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर। या फिर अगर कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे लगता है कि ये डिस्कस करना पड़ेगा, तो मैं आपको कॉल करके बता सकता हूँ, या फिर आपके साथ 1-to-1 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकता हूँ। मैं आपकी क्वेरीज को मैं जिंदा नहीं रहने दूंगा, इसकी अश्योरिटी मैं दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मेरा काम है, दिस इज माई ब्रेड एंड बटर। मैं आपको सही से पढ़ाऊँ तो ही मेरे पास मेरी जेब में कुछ पैसे आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो ये मेरा काम है, मैं आपके लिए पूरी श्रद्धा से काम करता रहूँगा। आपसे उम्मीद है कि आप भी डेडिकेशन से, अच्छा मैं नंबर क्यों हटा रहा हूँ, ठीक है, तो क्लासेज आपको मिस नहीं करने हैं, बाकी आपके सहयोग हम पूरी तरीके से करेंगे। और हम अब शुरुआत कर देते हैं अपने चैप्टर नंबर, पहला चैप्टर। एक बार जरा सा सांस ले लो, मैं भी पानी पी के आ जाता हूँ, पी के आने जाता हूँ, मेरे पास पानी रखा हुआ है, पर मैं थोड़ा सा मोबाइल को कैमरा को बंद कर रहा हूँ। मैं जा गया कहीं नहीं, मैं आपके बगल में खड़ा हूँ भाई, आपको मेरी आवाज़ ही सुनाई दे,
फिल्मों में डायलॉग चल रहा होता है ना, भूत गायब हो जाती है, वो पीछे से बैकग्राउंड से आवाज आता रहता है। करते हैं हम एक सनसनी खुलासा, आ गया मैं। अच्छा चलो, अब हम चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत कर रहे हैं, कर दें। कुछ बच्चे तो बोर हो गए अभी से। अरे राधिका कह रही है कर दो सर, कब करोगे स्टार्ट, कर देते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं टैक्सेशन होता क्या है, क्यों इसकी जरूरत है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है टैक्सेशन की, और टैक्सेशन है क्या। तो देखो, गवर्नमेंट को जिस तरीके से आपके परिवार को चलाने के लिए, एक बात बताओ मेरे को, एक चीज देखने दे, रुक जाओ। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि मेरे ये सामने ना आ जाए। चलो, जीएसटी एंड इंट्रोडक्शन, जीएसटी की हम लोग चर्चा करेंगे। पहले मैं देख रहा था, हाँ, टैक्सेशन की बात हम कर रहे थे। जिस तरीके से आपके घर परिवार को चलाने के लिए आपको चाहिए कुछ न कुछ पैसे, घर के सदस्य, मुखिया सदस्य कौन, आपके पेरेंट्स हैं, वो कहीं से पैसा लेके आते हैं, ठीक है, इनकम। अभी इसी इनकम में से कुछ तो वो कर देते हैं, आपकी जैसे एजुकेशन का खर्चा है, आपके फूडिंग का खर्चा है, आपके लॉजिंग या रेसिडेंस यानी घर परिवार जो है घर चलाने का खर्चा है। कुछ शौक हो सकते हैं, जैसे आपके पास कार होगी, बाइक होंगी, एग्रीकल्चरल एक्सपेंडिचर होंगे,
तो घर में एक नॉर्मल घरों में लगभग इस तरीके के खर्च, तो ये बेसिक बताया मैंने, बाकी फूड हो गया, आपके कपड़े हो गए, जूते हो गए, दवाइयां हो गई, बीमारियों के खर्च हो गए, बहुत सारे खर्च होते हैं आपके, ठीक है, घर के अंदर। और सब खर्च करने के बाद कुछ पैसे हम क्या करते हैं, सेविंग, इन्वेस्टिंग, इन सब जगहों पर कुछ पैसे यहाँ आ जाते हैं, बाकी आपके खर्च हो जाते हैं, आपके 80% तो खर्च हो जाते हैं, 20% सेविंग होती है, कई बार वो भी नहीं होती, कई बार बहुत सेविंग होती है। अब अंबानी के घर में क्या ही खर्च होगा, कितना खर्च कर लोगे, बिलियन डॉलर खर्च कर लोगे तो भी आपके पास बहुत है। एनीवेज, यही चीज सरकार के साथ भी होती है, गवर्नमेंट के बहुत सारे खर्चे हैं। गवर्नमेंट के खर्चे क्या क्या हैं, आप ना लिखना शुरू करो, इसको तो मैं हटा देता हूँ, ये मैंने ऐसे ही लिखा था, कुछ चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप लिखते चले जाना। अब बात आती है कि आपको लिखना कहाँ पर, तो जहां से आप चैप्टर का जब ये शुरुआत करोगे ना आपके नोटबुक्स के अंदर, तो गवर्नमेंट के कई सारे खर्चे हैं, हेडिंग इसी तरीके से डालना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। और ये एग्जांपल्स हैं, आप ब्रैकेट में चाहो तो, मैं यहाँ पे सारे एग्जांपल्स ऑब्वियसली लिख नहीं सकता, मुझे याद भी नहीं है, 1 लाख एक्सपेंडिचर है यार, कितनी सी चीजें लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, जैसे कि गवर्नमेंट किसानों के लिए फर्टिलाइजर की सब्सिडी देती है। आपने सुना होगा आज के समय पे सोलर का बहुत वो हो रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट सोलर को प्रमोट करती है, और प्रमोट करने के लिए आपके कहती है कि 25,000 का एक सोलर पैनल है, मैं आपको 25,000 में आप खरीदोगे ना तो गवर्नमेंट 15,000 रुपये या 10,000 रुपये या 12,500 रुपये 50% आपको रिम्बर्स कर देगी, यानी 50% सब्सिडी कौन देती है, गवर्नमेंट। आपको रोड्स चाहिए, रोड कौन बनाएगी, गवर्नमेंट। आपको हाईवे चाहिए, हाईवे कौन बनाएगा, गवर्नमेंट। आपको अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, यानी सरकारी स्कूल कौन बनाएगा, गवर्नमेंट। आईआईटीज कौन बनाएगा, गवर्नमेंट। आईआईएम्स कौन बनाएगा, गवर्नमेंट। आपको अच्छी हेल्थ केयर चाहिए, तो आपके लिए हेल्थ केयर स्कीम्स, हेल्थ केयर हॉस्पिटल, हेल्थ केयर स्कीम्स, हॉस्पिटल्स कौन प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट। आपको पता है इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट किसे कहते हैं, जो स्टेट, जो कंट्री अपने हर किसी पॉपुलेशन के, हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखती है, कोई भूखा न रोए, कोई भूखा न मर जाए, इसका ख्याल रखना सरकार का काम है। और सरकार इसके लिए चलाती है बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर के लोगों के लिए एक लाल कार्ड या ग्रीन कार्ड, पता नहीं कुछ तो कार्ड होता है ना, जिसके अंतर्गत आप राशन लेकर के आ सकते हो, आपको चावल गवर्नमेंट फ्री में देती है, दाल देती है, पहले तो किरोसिन ऑयल वगैरह देती थी, अब तो देना बंद कर चुकी है क्योंकि अब लालटेन वगैरह का यूजेस कम हो गया है, हर जगह बिजली प्रोवाइड करी जा रही है। तो यहाँ पर फूड प्रोवाइड करती भी है गवर्नमेंट। अच्छा, कहीं फ्लड वगैरह आ गया तो फ्लड रिलीफ हो गया, या फिर किसी भी स्टेट को अगर किसी भी प्रकार की इमरजेंसी जरूरत पड़ जाए फंड की, तो उसके अंदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना पैसा उसके लिए भी रखती है। इसके अलावा आप सोच के देखो, आपको सिक्योरिटी चाहिए, पहले तो सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी चाहिए, यानी देश के अंदर, राज्य के अंदर, तो वहां पर आपके लिए पुलिस फोर्स काम करती है। आपके पास विधायक, मंत्री, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और न जाने कितने सारे अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं, कई सारे अधिकारी बनाए गए हैं, क्यों, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसका खर्चा है।
आपको नेशनल सिक्योरिटी भी चाहिए, अगर आपका देश सुरक्षित रहे तो ही आप यहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे, आप चैन की नींद सो सकते हो। तो यहाँ पर आपको आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर भी खर्च करने होते हैं, आर्म्ड फोर्सेज या फिर आर्म्स एंड एम्यूनेशन भी कह लो आप, पूरी तरीके से हथियार, गोला बारूद, टैंक, मिसाइल सब कुछ इंडिया के अंदर बनेगा या फिर इंडिया किसी से खरीदेगा तो वहां पे खर्च तो आएगा। वो हो गए कुछ चीजें गवर्नमेंट प्रमोट करती है, जैसे साइंस एंड रिसर्च के अंदर आप तो सोचते हो कि आपको खाना हो गया, खाए और सो गए, क्या देश सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा कुछ और चीजें नहीं बनती? आंसर इज यस। अभी हमारा चंद्रयान थ्री सक्सेसफुली लैंड किया, अब तो वो पता नहीं ल्यूनर साइकिल भी शुरू हो गया है, ल्यूनर नाइट कहते हैं उसको ना, तो वो ठंड वहां पे बहुत ज्यादा पड़ती है तो इसलिए उसको पुट टू रेस्ट मोड पर डाल दिया गया, इसको बाद में दोबारा से जगाया जाएगा जब वहां पर धूप उगे, यानी शायद 14 या 15 दिन के बाद दोबारा से उसको काम पे लगाया जाएगा, अभी के लिए उसको शांत कर दिया गया है। एनीवेज, तो चंद्रयान थ्री जो वहां गया तो क्या है ये इसरो ने, इसरो का बहुत बड़ा, इसरो अपना कमाई भी करता है बट सारे कमाई वो अपने कमाई से सब कुछ खर्च नहीं कर पाता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारा फंड देती है इन ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि आप साइंस एंड रिसर्च के अंदर तरक्की कर सकें। और ऐसे कई सारे और भी खर्चे हैं जो गवर्नमेंट के होते हैं, आपको सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, स्कूल चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, मान लो कि गरीबों के लिए आपने सुना होगा किसानों के लिए या फिर गरीबों के लिए कई सारे इंश्योरेंस स्कीम गवर्नमेंट निकालते हैं, जहाँ पर सिर्फ आपको 1 रुपये देने हैं पर डे के हिसाब से, या फिर पर मंथ का 30 रुपये, 100 रुपये, इस तरीके से कुछ बहुत कम अमाउंट देना होता है और आपको गवर्नमेंट 5 लाख तक का कवर दे देती है, इंश्योरेंस कवर देती है, क्रॉप का इंश्योरेंस होता है उसके अंदर भी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ये सारे बहुत सारे खर्च उठाती है। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को आपने दिया 1 रुपये तो गवर्नमेंट 1 रुपये में ही आगे सर्विस ले लेती क्या? गवर्नमेंट को आगे देना होता है 10 रुपये के हिसाब से पर डे, पर वो आपसे चार्ज करती है 1 रुपये के हिसाब से पर डे। गवर्नमेंट आपको सब्सिडाइज रेट पर कोई भी चीज प्रोवाइड करती है, तो गवर्नमेंट के ये सारे खर्चे हो जाते हैं। इन्हीं खर्चों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के पास अब पैसे का भी सोर्स होना जरूरी है, ठीक है? गवर्नमेंट के पास इन सभी चीजों के लिए चाहिए सोर्स ऑफ इनकम चाहिए गवर्नमेंट को। और इसी के अंदर आ जाता है दो तरीके के सोर्स ऑफ इनकम, टैक्सेज और नॉन टैक्सेज। टैक्सेज के अंदर आपके पास दो प्रकार के टैक्स आ गए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। आज के डेट पर आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेज या जीएसटी की रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो वो इनकम टैक्स के ऊपर जा रही है दोस्त। इनकम टैक्स और जीएसटी वैसे कह सकते हो बराबर है, लगभग 52% के आसपास जो शेयर है टोटल टैक्स कलेक्शन का वो यहां से आता है और 48% के आसपास वो यहां से आता है। 52% से अधिक का शेयर आज के डेट पर है और गवर्नमेंट का पता है टारगेट क्या होता है, लगभग 1.5 लाख करोड़, लगभग 1.5 लाख करोड़ गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ हर महीने जीएसटी से कलेक्शन है। गवर्नमेंट 1.5 लाख करोड़ सिर्फ और सिर्फ जीएसटी से कलेक्शन। तो आज के डेट पर डायरेक्ट, इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स को आपको 50 नंबर का किया गया दोस्त, पहले देखो 40 नंबर का हुआ करता था, अब इसने अपनी इमेज ऐसी बनाई है कि मेरी जरूरत हर जगह है और मुझसे ही सबसे ज्यादा कमाई कर रहे हो और हमें ही ना पढ़ाओ, हमें सिर्फ 40 नंबर का वेट दो। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने एक रियलिस्टिक अप्रोच रखा है और उन्होंने आपके सिलेबस को भी 50 किया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सही बता, मतलब ऐसा हो सकता है, ये भी एक चीज होता है कई बार जो चीजों का रेलिवेंस ज्यादा हो ना, आप सोचो कि आपसे, मैंने कहा फर्स्ट चैप्टर से वो इंस्टीट्यूट आपसे शायद क्वेश्चन भी ना पूछे 2 नंबर से ज्यादा का, मैंने आपको बताया था। अब इंस्टीट्यूट का दिमाग घूम जाए, उल्टी खोपड़ी हो जाए और वो कहे कि नहीं हम तो सारे पूछेंगे फर्स्ट चैप्टर से, क्या कर लोगे आप? पूछ सकते हो, आप तैयारी करके गए नहीं, आपने 99% या 95% जो सिलेबस बच जाता है आपने उसको रगड़ दिया पूरे अच्छे से और आपने 5% को छोड़ दिया, इंस्टीट्यूट ने इसी 5% से सारे क्वेश्चन उठा के पूछ दिया, आप रोक लोगे इंस्टीट्यूट को क्या? आंसर इज नहीं। इसलिए आपकी तैयारी होनी चाहिए 100%। मैंने इस बात का जिक्र क्यों किया मैं भूल गया। एनीवेज,
और नॉन टैक्सेस में क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट पेनाल्टी वगैरह कई बार लेवी करती है, आप सड़क पर नहीं जाते, हेलमेट पहन के नहीं जा रहे हो, आपसे गवर्नमेंट ने आपको फाइन लगा दिया, पेनाल्टी लगा दी, क्या बोलोगे? गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन का बढ़िया तरीका बन गया। अरे आप बोलते हो मुझे पता है, पर ऐसा है नहीं, गवर्नमेंट पेनाल्टी से क्या ही कमा लेगी, पर ये छोटा सा सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। इसके अलावा भी है, जैसे गवर्नमेंट बाहर से लोन भी लेती है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से हो, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से हो, किसी बड़े दूसरे कंट्रीज से सॉफ्ट लोन लेना हो, ऐसे भी काम कई बार करती है। और इन सभी लोन लेने के लिए लोन का ब्याज भी चुकाना पड़ता है, क्या वो भी एक एक्सपेंडिचर है? आंसर इज, अरे बोल ना रे, बोलो कहां से लिखो, आंसर इज यस। तो यहां पे और भी आप लिख सकते हो, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी गवर्नमेंट का एक खर्च है, और इस तरीके से न जाने कितने सारे खर्च हैं, और गवर्नमेंट के कुछ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हो जाते हैं, जिसमें से टैक्सेशन एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, गवर्नमेंट के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, ठीक है। तो यानी आपको साइंटिफिक डेवलपमेंट भी करना है, आपको गरीबों का पेट भी पालना है, क्योंकि इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अप्रोच पे गवर्नमेंट काम करती है हमारी, यानी सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी गवर्नमेंट के कुछ, उसको भी फुलफिल करना है, और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी चाहिए आज से कल को लेकर के। हम आज से 10 साल 15 साल 20 साल आगे का टारगेट देखते हैं, हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है, फिर आगे 10 ट्रिलियन डॉलर, और आगे न जाने कितने ट्रिलियन डॉलर बनेंगे, शायद 20 25 50, तो उसको भी ध्यान में रखना है। और इन सभी चीजों के लिए गवर्नमेंट को, इस पूरे कंट्री को रन करने के लिए, इतने सारे खर्चे को फुलफिल करने के लिए, इतने सारे रिक्वायरमेंट अपने अपने पीपल की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए ये सारे खर्चे करने पड़ेंगे, और इन सब चीज़ों के लिए चाहिए आपके पास पैसे, और वो पैसे आएंगे कहाँ से? वो टैक्सेस से ही आएंगे। तो ओवरव्यू ऑफ टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया है, यहाँ पे क्या कहते हैं ये, इन एनी वेलफेयर स्टेट, इंडिया इज, मैंने आपको बताया ना, वेलफेयर स्टेट का मतलब हर किसी का ध्यान रखता है, एक गरीब से गरीब का पेट भरे, इसका भी ख्याल गवर्नमेंट को ही रखना है, तो वेलफेयर स्टेट है, इट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये सरकार की जिम्मेवारी है, टू फुलफिल द इंक्रीजिंग डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ द कंट्री एंड इट्स पीपल बाय वे ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अब देखो, अगली बार जब आप पढ़ रहे हो ना, तो इंक्रीजिंग डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ द कंट्री, इतना पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट के डेवलपमेंटल नीड से कई सारे, जैसे साइंस के ऊपर खर्च करती है गवर्नमेंट, रिसर्च के ऊपर खर्च करती है, कोरोना की वैक्सीन आई, गवर्नमेंट ने रिसर्च में इन्वेस्ट किया था, तभी तो आती है, अदरवाइज कहाँ से बन पाएगी। और ये क्या है, टैक्स एक प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पूरी स्टेंजा आपको समझ में आएगा इस पैरा के अंदर क्या क्या लिखी हुई है, ये कुछ चाणक्य की बातें भी लिखी हुई है। कलेक्ट टैक्सेज फ्रॉम द सिटीजन एज हनी बीज, यानी मधुमक्खी के छत्ते में जिस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके टैक्स कलेक्ट करो, विदाउट इनफ्लिक्टिंग पेन, बिना दर्द दिए छोटा छोटा टैक्स कलेक्ट करो हर किसी से, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द सिटीजंस एज हनी बीज, जिस तरीके से मधुमक्खियां कलेक्ट करती है नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, वो फ्लावर से जिस तरीके से नेक्टर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके एक सिरिंज की तरह ऐसे चुहाती है, फ्लावर को पता भी नहीं चलता, और उसमें से उसका जो हनी पार्ट है वो खींच लेती है, इसी तरीके से आपको टैक्सेज कलेक्ट करने हैं, ऐसा चाणक्य ने कहा था। तो ये सब बातें ज्ञान की गंगा इन्होंने बहाई हुई है। स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से गवर्नमेंट के, उसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट को टैक्सेज की कलेक्शन चाहिए, टैक्सेज चाहिए होते हैं, और ये टैक्स इसीलिए कलेक्ट की जाती है। टैक्सेज क्या, एक बात बताओ, मैं अगर कहूँ कि हे भारत के मनुष्यों, भारत के प्राणियों, आप सब लोग कमा रहे हो, कुछ खर्च कर रहे हो, जब थोड़ा सा खर्च यहाँ कर रहे हो, थोड़ा सा गवर्नमेंट को नहीं दे सकते, दान दे दो गवर्नमेंट को, आपको क्या लगता है कितने लोग दान देंगे? सुरभि कह रही है मैं तो नहीं दूंगी, कोई नहीं देता, कौन दे रहा है भाई? आपको एक अठन्नी ना कलेक्ट होगा, 5 ट्रिलियन डॉलर तो छोड़ो, आधा ट्रिलियन डॉलर में रह जाओगे, एक दिन में खत्म हो जाएगा देश। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को कानून बनाना पड़ता है, बोलते कानून का तो फॉलो हर किसी को करना पड़ेगा, कानून से बाहर तो नहीं जा सकते, तो गवर्नमेंट ने आपको रखा कानून के दायरे में कि आपको टैक्सेस के पेमेंट करने ही करने पड़ेंगे, आप बच नहीं सकते, तो उन्होंने कानून में लिख दिया, क्योंकि भारत के इंसान हो आप, भारत में रहने वाले सभी पर्सन के ऊपर भारत का संविधान एप्लीकेबल है, और भारत के संविधान के अंदर जो कानून बने हुए हैं, जीएसटी भी एक कानून है, वो संविधान के अंदर ही तो बनते हैं, संविधान को
आप क्या संविधान के बाहर जाकर कोई कानून बना सकते? आंसर इज नहीं बना सकते। आपने उसके अंदर ही रह करके कोई भी कानून बनाया है, इस कानून को पालन करना आपकी जिम्मेवारी है, आपकी ड्यूटी है, आपकी लाइबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका कर्म धर्म सब कुछ है। और उन्होंने इसीलिए कानून के अंदर लिख लिया कि भैया हर किसी को कंपल्सरली कुछ पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर या इनकम के रूप में, आपको इनकम का गवर्नमेंट को टैक्सेस के रूप में पे करना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं टैक्सेस इज नथिंग बट अ कंपल्सरी लेवी ऑफ मनी अंडर एनी लॉ, अंडर एनी लेजिस्लेशन, अंडर एनी कानून, किसी न किसी कानून के अंतर्गत अगर आपको टैक्सेस की कुछ पेमेंट करना पड़ जाएगा, वॉलेंट्री नहीं, अपनी इच्छा है तो नहीं, ना 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 ना, कंपल्सरीली आपको पे करना है। तो ऐसे चीजों को हम कहते हैं टैक्सेस का नाम हमने दे दिया। यहाँ पे टैक्स क्या है? टैक्स इज नॉट ए वॉलेंट्री पेमेंट और डोनेशन। ये वॉलेंट्री पेमेंट नहीं है, अपनी इच्छा हो गई दे दिया, ऐसा नहीं है। ये डोनेशन भी नहीं है, दान पुण्य का काम नहीं है, बट एन इनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, या फिर इसी को मैं कहता हूँ कंपल्सरी लेवी। इनफोर्स मतलब आपके ऊपर थोपा गया है जबरदस्ती, एक्सट्रैक्टेड पर्सुएंट टू लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, यानी किसी न किसी कानून के अंदर ए टैक्स इज, क्या मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, आप यहीं पे किताब में ही लिख लेना, टैक्स इज कंपल्सरी लेवी ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। किसी न किसी कानून के अंदर रह करके मैंने आपसे पैसे ले लिए, ये क्या है? कंपल्सरी लेवी ऑफ मनी अंडर एनी लॉ, ये है आपका टैक्स। और इस तरीके से हो गया आपका पहला टॉपिक खत्म। इसी के अंदर अब चर्चा आएगी कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस, दो प्रकार के टैक्सेस बनेंगे, लेकिन आपको यहां पर यह पढ़ना अभी नहीं है, मैं जो करा रहा हूं पहले आप ये ध्यान से देखो। क्या आपको ये चीज लिखना है जो मैं कराने वाला हूं? आंसर इज यस। एक एग्जांपल लिखोगे यहां पर, पहले टॉपिक डालो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ये कौन है? ये है हमारा कोचिंग IDT IDTX राहुल, जो कि आपको यहां पे ऊपर दिख रहा है, ऊपर ऊपर इधर 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 दिख रहा है, ऊपर और ऊपर, ठीक है। और यहां हो आप, आपका नाम मैं सबसे पहला गुड मॉर्निंग किसने भेजा था ये बताओ पहले मेरे को, एक सेकंड रुक जाओ मैं देखता हूँ पहले सबसे पहला किसने भेजा था। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून था, सबसे पहला मैसेज था दीपक। ठीक है, यानी मेरा स्टूडेंट IDTX राहुल और दीपक, और तीसरा है बीच में, चलो यहां पे कर देता हूं मैं, यहां पे यहां कर दूं, यहां कर देता हूं गवर्नमेंट। ठीक है, तीन कैरेक्टर हो जाएंगे इस एग्जांपल के अंदर।
अब यहां पर क्या होगा, जब दीपक IDTX राहुल ने आपको क्या दी, कोचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करी है, और इसके लिए फी क्या चार्ज हुआ, लेट से ₹1000। ठीक है, मेरी इच्छा थी कि मैं 100 चार्ज करूं, ₹1000 चार्ज करूं, पर यहां पर गवर्नमेंट बीच में आ जाती है। गवर्नमेंट कहती है कि सुनो, सिर्फ आप ₹1000 चार्ज नहीं करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनो, सिर्फ आप ₹1000 चार्ज नहीं करोगे, जब आप अपने ₹1000 मांगने जाओ ना दीपक से, मुझे गवर्नमेंट कहती है, मुझे कहती है, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा काम है ये, मेरा दाना पानी रोटी है ये पढ़ाना, मैं ये काम कर रहा था, गवर्नमेंट मुझे कहती है कि तुम अपना काम धंधा करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन जब तुम दीपक से ₹1000 चार्ज करो ना, तो मेरे कानून में एक चीज लिखी हुई है, इसका ध्यान रखना, मैंने एक कानून बनाया जिसका नाम है GST। गवर्नमेंट ने एक यहां पे कानून बना दिया और बोला कि मेरे नाम के भी पैसे उससे मांग के लियो, GST कलेक्ट करना है आपको उससे। मैंने कहा मैं क्यों करूं, मुझे तो 1000 चाहिए, मैं तो अपने 1000 जेब में रखना चाहता हूं। गवर्नमेंट कहते हैं ना ना ना, वो तो तू कर लियो, लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि जिस वैल्यू पे तू अपना सामान बेच रहा है ना, उसी वैल्यू का 18%, ये 18 मैंने अपने हिसाब से बोला, ठीक है, कुछ भी और हो सकता है रेट, कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट ने एक फिक्स रेट हमको बताया कि 18% मेरे नाम के भी चार्ज कर लेना उससे। दीपक को सिर्फ आप 1000 मत चार्ज करना, 1000 प्लस जो आप अमाउंट चार्ज कर रहे हो यानी 1000, उसके ऊपर 18% कैलकुलेट करके उससे मेरे नाम के भी मांग लेना, यानी ₹180, और आप टोटल ₹1180 आप दीपक से चार्ज कर लेना। गवर्नमेंट ने मुझे बोला, IDTX राहुल को मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि जब तुम अपने ₹1000 मांगने जाओ दीपक से, तो मेरे नाम के भी 180 मांग के ले आना। मैं कहा ठीक है, मेरा क्या जाता है, 1180 ले लूंगा मैं। मैं ला के अपने जेब में 1180 रखने ही वाला था, मैं ये 180 अपने जेब में रखने ही वाला था कि गवर्नमेंट कहती है रुको, ये 180 किसके कहने पे कलेक्ट किया था। मैंने कहा ये क्या मजाक हुआ, अभी तो तुमने धमकी दिया था ये 180 मेरे नाम के चार्ज कर लेना, मैंने कर लिया उससे 180 चार्ज। गवर्नमेंट कहती है मैंने कहा था मेरे नाम के चार्ज कर लेना, तू अपनी जेब में क्यों रख रहा है, ये 180 तुम्हारा नहीं है, तुम्हें तो 1000 चाहिए था ना, तो 1000 अपनी जेब में रख, 180 जो तुमने मेरे कहने पर कलेक्ट किया है ये तुम मुझे दे दे, वो मुझे चाहिए था इसीलिए मैंने मंगवाया था, मैंने तुमसे कुछ थोड़े ना मांगा, मुझे मैंने कहा है कि सरकार आप GST क्यों मांग रहे हो, दीपक से मैं GST भला क्यों चार्ज करूं। गवर्नमेंट ने कहा दीपक को सड़क चाहिए, दीपक को सिक्योरिटी चाहिए, दीपक को पुलिस चाहिए, दीपक के लिए हम आर्म फोर्सेस लगाते हैं, दीपक और उसके घर सुरक्षित रहे इसीलिए हम पुलिस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और न जाने क्या क्या चीजें, उसका देश, उसका घर सुरक्षित रह सके उसके लिए हम आर्म फोर्सेज, मिसाइल सब कुछ बना रहे, इतने सारे एक्सपेंडिचर जो हम कर रहे हैं, हम पैसा कहां से लाएंगे। तो दीपक भैया जब भी तुम कुछ खर्च करोगे ना, दीपक खर्च कर रहा है तो गवर्नमेंट ने बोला खर्च जब तुम कर रहे हो, जब तुम राहुल को दे सकते हो इतने रुपए, 1000 रुपए, तो सरकार को 180 रुपए नहीं देने थे। सरकार कहती है मुझे भी तो खर्च करना है, मैं तुम्हारे ही ऊपर तो सारे खर्च कर रहा हूं, तुम्हारे लिए तो रोड बना रहा हूं, तो पैसा दे दे 180 रुपए। तो ठीक है, इस तरीके से गवर्नमेंट के पास 180 रुपए की आमदनी हो गई। पर ध्यान देना, ये 180 रुपए गवर्नमेंट को किसने पे करा पता है, ये 180 रुपए यहां से मैंने उठा करके पे किए गवर्नमेंट को 180। इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, इसको 180 रुपए मैंने गवर्नमेंट को पे किए, ऐसे कर लूं क्या, ये यहां से उठा के लाया मैं ये वाला GST का अमाउंट और मैंने गवर्नमेंट को दे दिए, फिर लेके आया और गवर्नमेंट को दे दिया, पैसे मैंने दीपक से चार्ज किए और जाके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया, मैं अपनी जेब में नहीं रख पाया उस 180 को, मैं दे दिया।
अब मेरी खुद की इनकम कितनी है? तो 1000, 1180 मैंने चार्ज किया था, 180 गवर्नमेंट ने बोला, तू तो मैंने कहने पे कलेक्ट किया तो मुझे दे दे, मैं आपसे पैसे लिया दीपक से और गवर्नमेंट को जमा कराया 1000। अब की बार मैंने कहा चलो 1180 गवर्नमेंट ने मुझे जेब के अंदर नहीं रखने दिया था, बोला था 1000 तुम्हारा कमाई है वो तुम जेब के अंदर रख लो, बाकी 180 दे दो। मैंने दे दिया 1000, मैंने रख लिया जेब में और मैं खुश हो ही रहा था कि गवर्नमेंट फिर से आ जाती है। एक बात बताओ, ये सोशल सिक्योरिटी, रोड, हाईवे, आर्म फोर्सेस, पुलिस, क्या सिर्फ दीपक को चाहिए? तुम्हें नहीं चाहिए? मुझसे आके गवर्नमेंट कहती है मैंने ये इनकम मान करके अपना जेब में 1000 रुपये रख लिए थे कि गवर्नमेंट मेरे पास आ जाती है, कहती है तुम्हें नहीं चाहिए ये सड़क, ये हाईवे, ये पुलिस फोर्स, ये आर्मी, ये कानून व्यवस्था, ये तुम्हें नहीं चाहिए, तुम क्या आदिवासी हो, जंगलों में रहते हो, इसी देश का संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हो सारे संसाधन, और ये सारे संसाधन सरकार खर्च कर रही है, तो क्या इसका बेनिफिट तुम्हें नहीं मिल रहा? मैंने कहा मिल रहा है, तो क्या तुम्हें टैक्स नहीं देना है? मैंने कहा दे दूंगा दे दूंगा, ऐसी क्या बात है, क्या दे दूंगा बताओ, पर मैंने तो कोई खर्च नहीं किया, खर्च तो नहीं किया। दीपक के केस में तो आपने ये बोला था कि दीपक जब तुम इतना खर्च कर रहे हो, राहुल को 1000 दे रहे हो तो 1000 सरकार को भी दे दो, मैं तो किसी को दे नहीं रहा 1000 रुपये, मैं तो बल्कि ले रहा हूं उल्टे, अब मैं इसमें से कहां दूं आपको? गवर्नमेंट बोलती है जब तुम्हें सारे चीजें चाहिए, जब तुम इतना कमा रहे हो, थोड़ा सा सरकार को नहीं दे सकते हो? खर्च करते वक्त भी गवर्नमेंट दीपक को पकड़ लेती है, हालांकि उसने दीपक को नहीं पकड़ा, उसने मुझे पकड़ा था कि दीपक से कलेक्ट करके दे दो, तो इनडायरेक्टली मैंने आपसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे दिया। जब मैं कमाया और अपनी जेब में पैसे रखने लगा, उस वक्त पे फिर से गवर्नमेंट आ जाती है और बोलती है कि 1000 रुपये सिर्फ तुम अपने पास क्यों रखना चाहते हो, कुछ तो गवर्नमेंट को दे दो। और गवर्नमेंट यहाँ पे लेट से एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये टैक्स लगा देती है एट द रेट 30% ऑन इनकम। इनकम के ऊपर टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, बोला ₹300, और ये 300 रुपये भी मुझे सरकार को देने पड़ेंगे, ये 300 रुपये गवर्नमेंट ने यहां पे टैक्स लगा दिया और ये पैसे भी चले गए गवर्नमेंट को। इस तरीके से आप एक एग्जाम्पल बनाओगे। अभी हुआ क्या पता है आपको, मेरी तरफ ध्यान से देखो, आयुषी क्वेश्चन बाद में, रुक जाओ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है आपका, मैं अभी जवाब दे दूंगा लेकिन इसी के अंदर से मिल जाएगा आपको जवाब। गवर्नमेंट ने दीपक से भी पैसे ले लिए, दीपक से डायरेक्टली नहीं लिए, दीपक से भी 180 रुपये लिए लेकिन डायरेक्टली नहीं, दीपक को तो 1000 मुझे देना था, 180 रुपये तो मैंने गवर्नमेंट के कहने पे दीपक से लेकर के गवर्नमेंट को दे दिया, वो गवर्नमेंट ने दीपक से ही लिया, पर गवर्नमेंट ने डायरेक्टली दीपक से नहीं मांगा, उसने मुझे गवर्नमेंट ने जिम्मेवार ठहराया कि IDTX राहुल जब तुम अपने स्टूडेंट दीपक से पैसे लोगे तो पूरे के पूरे पैसे मत लेना, 1000 ले लेना, अपने पास रखना, 180 रुपये मेरे कहने से भी चार्ज कर लो और चार्ज करके मुझे दे दो। तो मैं आपसे चार्ज किया 1180 रुपये और मैंने 180 गवर्नमेंट को पहुंचा दिया, मैंने अपनी जेब में नहीं रखा वो टैक्स का पैसा, मैंने गवर्नमेंट को पहुंचा दिया। ये जो पैसा जमा हुआ ना, ये किसकी जेब से गया पता है आपको? आपकी जेब से 180 रुपये, बर्डन कौन झेला इसका? आप। पर गवर्नमेंट को जमा कौन करा के आया? मैं। आपकी जेब से लिया, बोझ आपके जेब पर पड़ा, पर गवर्नमेंट को कौन जमा कराया? मेरा और गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट के पास नहीं गए, गवर्नमेंट ने आपको कुछ बोला भी नहीं, गवर्नमेंट ने नियम सिर्फ मेरे को बोला कि तेरे को सुन, जब भी तुम सामने वाले से 1000 रुपये मांगोगे ना तो मेरे नाम के भी 180 चार्ज कर लियो, ठीक है? तो गवर्नमेंट आपको आके कुछ नहीं कहती, गवर्नमेंट मुझे आके धमका के चली गई और मैं क्या किया आपसे 180 रुपये लेकर के गवर्नमेंट को दे के आ गया, इनडायरेक्टली मैंने आपसे लिया पैसा और गवर्नमेंट को दे दिया, ये पैसा आपसे गवर्नमेंट को गया है पर इनडायरेक्टली, ऐसे रूट इसका अलग है, ये डायरेक्ट ऐसे कनेक्शन नहीं हुआ आपका, आपका और गवर्नमेंट का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हुआ, तो आपसे मेरा कनेक्शन है और मैं जाकर के आपका पैसा गवर्नमेंट को देकर के आया, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या था? इनडायरेक्ट टैक्स। ये जो पैसा घूम के गया ना, इसी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। यहां पे इनडायरेक्ट टैक्स कितना था?
180 रुपये, ये जो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स, ये जो 180 है यही है इनडायरेक्ट टैक्स। आपका पैसा घूम करके चला गया। दूसरी तरफ जब मेरी इनकम हो गई, जब मैं उस पैसे को अपनी जेब में रखने लगा, गवर्नमेंट मुझे कहती है तुम्हें सोशल सिक्योरिटी नहीं चाहिए, तुम्हें सड़क हाईवे फ्लोर नहीं चाहिए, तुम्हें हवाई जहाज नहीं चाहिए, तुम्हें हवाई अड्डे नहीं चाहिए, तुम्हें रेलवेज नहीं चाहिए, तुम्हें फोर्सेज नहीं चाहिए, तुम्हें पुलिस नहीं चाहिए। मैंने कहा सब कुछ चाहिए, तो चाहिए तो पैसा देना भाई, अपनी जेब में कहाँ 1,000 रुपये रख रहा है, 700 ले तो मजे काट, 300 रुपये दे दे सरकार। मुझे दुख तो हुआ उस समय पर मैं दे गया, मुझे दुख तो हुआ पर मैं दे के चला गया। मैं बताऊं दीपक, आपको दुख कम हुआ था या शायद नहीं हुआ होगा, आपको महसूस ही नहीं हुआ जब आपसे टैक्स लिया गया, क्योंकि पता है मैंने जो आपके लिए फी कोट किया ना, वो फी मैंने 1180 ही कोट किया था, आपको पता भी नहीं चला। जब आप ओरियो का बिस्किट खरीदने जाते हो ना, उस पर लिखा होता है 10 रुपये, और आप मान के चलते हो कि 10 रुपये का बिस्किट है, पर क्या आपको पता चलता है कि उसके अंदर भी टैक्सेज इंक्लूडेड था? आपने कभी उसका दर्द झेला? आपको कभी पता चला कि आपसे टैक्स लिया जा रहा है? आपको कभी पता ही नहीं चला। आप जब मोबाइल खरीदने जाते हो ना, आपसे मोबाइल का प्राइस मांगा जाता है कि ये फोन है 18,000 रुपये का, क्या आपको पता चलता है कि उस 18,000 में 18,000 मोबाइल के दाम नहीं है, मोबाइल का दाम हो सकता है 12,000 रुपये, वो 6,000 टैक्स के नाम पर आपसे कलेक्ट कर लिया गया, या फिर 15,000 हो, 14,000 हो, बाकी के पैसे आपसे टैक्स के नाम पर 3,000, 4,000, 5,000 रुपये कलेक्ट किए जाते हैं आपसे। अगर गवर्नमेंट डायरेक्टली बोले ना साल के अंत में चलो 4,000 रुपये सरकार को दे दो, तो आपकी हाथ में फूल जाएंगे, लेकिन आपसे गवर्नमेंट ने मांगा नहीं, इनडायरेक्टली आपसे वसूल लिया, आपको पता भी नहीं चलने दिया, तब तो आपको दर्द नहीं होता। यहाँ पर दर्द होगा, यहाँ पर मुझे भी दर्द हुआ जब मैं 1,000 अपना मान चुका था, जिसे मैं अपना मान चुका था वो बेवफा हो गई, वो 300 रुपये बेवफा हो गई, वो सरकार लेके चली गई। अब बताओ मुझे दुख होगा या नहीं होगा? बहुत दर्द हुआ सुनकर नालायक, दुख हुआ होगा तुम्हें, मुझे तो हुआ था, मतलब किसी को भी होता है। सुनो ओए आयुषी, आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया है। ये क्या है पता है? ये एक इनकम टैक्स है, यानी डायरेक्ट टैक्स है, जो 300 रुपये मैं दे रहा हूं अपनी जेब से। क्यों डायरेक्ट टैक्स है? क्योंकि ये लाइबिलिटी किसके पे करने की, गवर्नमेंट को, मेरी है 300 रुपये मैं गवर्नमेंट को दूंगा, किसकी जेब से लूंगा, लेके दूंगा, अपनी जेब से निकाल करके 300 रुपये दिए मैंने भैया, 1,000 जो कि मेरा हो चुका था, जो मेरी थी मैंने उसमें से वो किसी को दिया। चलो थोड़ा सा साइड से बाहर आते हैं, ये क्या हुआ, 300 रुपये मेरी जेब से चला गया, तो ये मुझे पिंच महसूस हुआ एक डायरेक्ट। ऐसा लगा था कि मैं 1,000 में क्या क्या करूंगा, मैंने एस्टिमेट बना लिया था कि मैं 1,000 रुपये में 300 के कपड़े खरीदूंगा, 400 के जूते खरीदूंगा, 200 रुपये के फिल्म पठान आ रही है, पठान देख के आऊंगा, ऐसे कुछ खर्चे का एस्टिमेट मैंने बना लिया था। और पता चलता है गवर्नमेंट आके कहती है 300 रुपये दे दो, मेरा पूरा का पूरा बजट हिल गया। बताओ मुझे दुख होगा या नहीं होगा? दुख होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को कौन जमा कराया? मैं अपनी जेब से जमा कराया, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, गवर्नमेंट को जमा कौन कराया? मैं अपनी ही जेब से करा के आया, यानी जो टैक्स जमा करा रहा है और जिसकी जेब पर उसका असर पड़ रहा है सेम पर्सन है, जो पर्सन जिसकी जेब से बोझ पड़ रहा वही पर्सन जाकर के गवर्नमेंट को जमा भी करा रहा है, दोनों पर्सन सेम है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, यानी डायरेक्टली पे करना, खुद वही पर्सन पे करेगा गवर्नमेंट को, जो अपनी जेब से उसके असर भी उसका झेल रहा है और गवर्नमेंट को टैक्स भी डिपोजिट कर, बोलता है सेम पर्सन कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, लेकिन वेयर बोथ द पर्सन आर डिफरेंट पर्सन। अब की बार जो 180 रुपये की बात अगर करूं मैं, ये जीएसटी की, तो ये जीएसटी मैंने आपकी जेब से लेकर के गवर्नमेंट को जमा किसने कराया था? मैं, लेकिन अपनी जेब से नहीं, आपसे लेकर के मैंने जमा कराया, आपसे ऐसे लिया और यहाँ पे गवर्नमेंट को जमा करा दिया, यहाँ पर मैं अपनी जेब से कुछ नहीं दे रहा था, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज नॉट डायरेक्टली डिपोजिटेड बाय दीपक टू द गवर्नमेंट, इट वॉज डिपोजिटेड बाय मी टू द गवर्नमेंट, बट आई हैव रिकवर्ड दैट मनी, आई हैव शिफ्टेड द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन दीपक, मैंने वो दीपक के ऊपर डाल दिया टैक्स, भैया मुझे नहीं देना, ये गवर्नमेंट को दीपक देगा, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। पर यहां पे आपको महसूस नहीं हुआ होगा कि आपके जेब से टैक्स जा रहा है, बस आपको लगा कि 1180 फी है, 1180 के हिसाब से आपने सोच करके दे दिया पैसे, आपको महसूस नहीं हुआ कि आपने 180 रुपये भी दिए हैं जो कि गवर्नमेंट को चला गया, मेरी जेब में नहीं आया।
तो ऐसा करके हम चले जाएंगे। चलो मैं आपको ना एक आप ब्रेक ले लो यहाँ पर। कितने मिनट का ब्रेक चाहिए आपको? 1 घंटा 24 मिनट का क्लास हो चुका है अब तक आपको, और बहुत सारे ब्रेक 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 ब्रेक। एक बात बताओ, ब्रेक की आपको जरूरत महसूस होती क्या? चलो मैं बकवास नहीं करता, मैं ब्रेक दे देता हूँ, वरना फिर कहोगे। हम मिलते हैं आपसे 10 मिनट के अंदर, ठीक है? 10 मिनट में फटाफट से आ जाना। जाओ जाओ जाओ।
हाँ जी, बैक आफ्टर द ब्रेक। हाँ मैंने ब्लेजर उतार दिया। ब्लेजर ना क्या होता है, ब्लेजर इज ए शो पीस, जस्ट आधे घंटे के लिए ठीक लगता है, उसके बाद से लगता है फेंको इसको। अच्छा, हम लोग कर रहे थे डायरेक्ट टैक्सेज और इनडायरेक्ट टैक्सेज। अभी आपको अंतर समझ में तो आ गया होगा ना। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो हम डायरेक्टली जिस जो पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स जमा करा रहा है, ही इज डायरेक्टली बियरिंग द इंसिडेंस, उसका बोझ उसकी जेब पर ही जा रहा है, बियरिंग द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स का अमाउंट। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, द पर्सन हु इज पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट इज नॉट बियरिंग द टैक्स का इंसिडेंस, ही इज शिफ्टिंग द इंसिडेंस ऑन सम अदर पर्सन नेम दीपक। दीपक के ऊपर वो शिफ्ट कर रहा है बर्डन को, वो कलेक्ट कर रहा है दीपक से और गवर्नमेंट को जमा करा दे रहा है, वो खुद अपनी जेब से पे नहीं कर रहा होता है, लेकिन पे हर किसी को करना है किसी ना किसी फॉर्म के अंदर। तो जो मैंने अमाउंट पे किया था गवर्नमेंट को 300 रुपए का अपनी जेब से, उसको कहते हैं इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। ये इनकम टैक्स इज पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ऐसे और भी टैक्सेज होते हैं, जैसे वेल्थ टैक्स है, आज के टाइम पे अप्लीकेबल नहीं। जीएसटी, अभी जो मैंने बोला ना वो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो जीएसटी था, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस सिर्फ जीएसटी नहीं होता, और भी कई तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं इंडिया के अंदर। अब आप कहोगे कि मैंने क्लास के शुरू में बोला था कि सारे टैक्सेस को सब्स्यूम करके एक जीएसटी बनाया था, और 1 अप्रैल 2017 ऐसी मैंने बात की, जिक्र करी थी, उसके ऊपर बाद में आएंगे। आज भी कुछ कुछ टैक्सेज जिंदा है पुराने वाले, या तो वो पूरी तरीके से जिंदा है, या फिर कुछ कुछ लिमिटेड चीजों के ऊपर ही अप्लीकेबल, बाकी चीजों के ऊपर खत्म हो चुका है, ठीक है। और कुछ तो हैं जो पूरी तरीके से धराशायी हो चुके हैं, वो बह चुके, खत्म हो चुके हैं। तो ये एग्जाम्पल आपने ऑब्वियसली लिख लिया होगा। 300 रुपये जो मैंने पे करा, ये था इनकम टैक्स, जो आपकी जेब से लेकर के मैंने गवर्नमेंट को दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में ये जो मैंने अमाउंट पे किया गवर्नमेंट को, ये कौन सा था, ये था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इसके अलावा कई सारे और भी इनडायरेक्ट टैक्सेज आते हैं, जैसे कि कस्टम ड्यूटी है, जैसे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, जैसे कि स्टेट एक्साइज ड्यूटी है, जैसे कि सर्विस टैक्स हुआ करता था, अब पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो चुका है, जैसे कि वैट है जो आज भी जिंदा है। वैट किस चीज के ऊपर लगता है, सेल के ऊपर। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगता है, और इसकी डिटेल बातें हम करेंगे इसी चैप्टर के अंदर आगे चल के। तो अभी तक आपने देखा डायरेक्ट टैक्सेज और इनडायरेक्ट टैक्सेज। आपने एक जगह देखा होगा, क्या मैं अगर यहां पर एक डिफरेंस बना दूं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की, तो यहां पर मैं डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स बना सकता हूं। इसी को एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए, इसी एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ एक क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेज एंड इनडायरेक्ट टैक्सेज, तो क्या आप इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे? चलो देखते हैं कितना हम लोग कर पाते हैं। और यहां पर हम एक लाइन डाल देते हैं इस तरीके से, और इसके अंदर पहला इधर डायरेक्ट टैक्स है और इधर इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। और इसके बेसिस पर हम इसको देखते हैं एक आंसर बन पाता है, कहां तक तो हम खींच सकते हैं इसी क्वेश्चन को। हमको सिर्फ और सिर्फ इसको शब्दों में ढालना है, सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल से बाहर निकल के इसको शब्दों में ढालते हैं, ठीक है। पहला है पर्सन पेइंग द टैक्स, बियर्स द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, यानी उसका बोझ भी वो खुद ही झेलता है। मेरे केस में था 300 रुपये, 300 रुपये जो मैंने, जो पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स पे किया था, वही झेल भी रहा है, यानी मैं ही झेल रहा था, उसका 300 रुपये का बोझ मेरी जेब पर आया था। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर यानी जीएसटी के अंदर आपके पास क्या हुआ था, पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट
डज नॉट हिमसेल्फ बियर्स द इंसिडेंट्स इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स। वो क्या करता है, सॉरी एक ही है ना, यहां पे क्या कहता है, टैक्स बर्डन इज शिफ्टेड, टैक्स का बर्डन या टैक्स का इंसिडेंस मैं कह लूं इसको, टैक्स बर्डन इज शिफ्टेड ऑन, आप कौन थे, कंज्यूमर या फिर बायर कह लेता हूं मैं। यहां पर क्या, यहां पर भी टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर रहे थे क्या, मुझे 300 रुपए गवर्नमेंट ने बोला आपको 300 रुपए देने पड़ेंगे जो आपने कमाया उसके ऊपर, क्या मैं किसी और की जेब से लेकर के दे रहा हूं, आंसर दो, अपनी जेब से दे रहा हूं। तो यहां पे टैक्स बर्डन जो है शिफ्ट नहीं हो रहा है। और क्या आप डिफरेंसेस और क्या कर सकते हो, मैंने बोला था ना यहां पर जब आप इनकम, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस, आपको फोन का दाम बताया जाता है, आप जाते हो फोन दुकान पर फोन खरीदने, 15,000 का फोन है लेकिन आपको बताता है कि ये फोन आपको 18,000 का पड़ेगा, आपसे वो टैक्स की जिक्र भी नहीं करता, आपको बोलता है ये फोन 18,000 का है और आप खुशी खुशी 18,000 को ही, आप क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ 18,000 चल रहा है, आपको ये पता भी नहीं चल रहा होता कि आप टैक्सेस भी पे कर रहे हो। जब आप पेट्रोल खरीदने जाते हो तो आपको बताया जाता है 105 रुपये लीटर है, आपको पता ही नहीं होता कि उसके अंदर टैक्स कितना है। आप जब लैपटॉप खरीदने जाते हैं आपको बताया जाता है कि इसका दाम है मान लो 60,000 रुपीज, आपको यही नहीं पता कि इसके अंदर टैक्सेस कितना है। आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो, जब पेन से लेकर के, वो आमिर खान की फिल्म कौन सी थी, 3 इडियट्स, पेंट की निब्स, पेंट की जिप से लेकर पेन की निब तक सब कुछ मशीन है। तो आप कुछ भी खरीदते हो इसके अंदर टैक्सेस शामिल होता है, जब आपको पता ही नहीं चलता। तो यहां पर क्योंकि आपको हमेशा होलसम अमाउंट दिमाग में रहता है, आप शर्ट खरीदने जाते हो बताया जाता है 1200 का शर्ट है, तो 1200 के शर्ट पे आप आनाकानी नहीं करते कि गवर्नमेंट मेरे से टैक्स ले रही है मैं तो गरीब आदमी, ना ना ना, आप कुछ नहीं ऐसा करते, आप ये सोचते अच्छा 1200 का शर्ट है ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो शर्ट कितने का है, 900 का होगा, 800 का होगा, उसमें अंदर 300-400 रुपये का टैक्सेस भी शामिल है, सब मिला करके वो 1200 का जरूर बन रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या होता है, डायरेक्ट पिंच महसूस नहीं होता है, नो डायरेक्ट पिंच, PINTCH। वो जो चाणक्य वाली बात थी ना, चाणक्य ने क्या कहा था कि ऐसे मधुमक्खी की तरह सुई हल्का सा चुभो और निकाल लो ताकि पता ना चले अगले को, महसूस ना हो। तो यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस महसूस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर मैं 1000 रुपये आएंगे, मैं क्या क्या सपने देख चुका था, मैं फिल्म देखूंगा, मैं कपड़े खरीदूंगा, मैं जूते खरीदूंगा, और वहां पर गवर्नमेंट आके बोलती है कि चल टैक्सेस का पेमेंट कर दे, तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली मेरी जेब से गया है तो मुझे असर हुआ। पिंच का स्पेलिंग देखना यार, पिंच का स्पेलिंग PINTCH होता है या CH होता है, मैं और भी कुछ कुछ चीजें बता सकता हूं, जैसे कि इनकम टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स की अगर बात करूं ना तो डायरेक्ट टैक्स क्या है पता है, समझो इस बात को जो मैं कह रहा हूं, समझो आपकी बात, डायरेक्ट टैक्स इंडिया में क्या हर कोई पे कर रहा है, गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स, आपने अगर पढ़ रखा हो तो आपको पता होगा कि 2.5 लाख तक हमारा चल चल तेरे से टैक्स नहीं ले रहा, मैं जाओ मौज काटो तुम, 2.5 लाख तक अगर आप साल का कमा रहे हो तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेती, अगर आप 5 लाख तक कमा रहे हो तो वहां पर टैक्सेस तो लेती है लेकिन रिबेट दे करके उसको भी खत्म कर देती, उसके आगे भी अगर आपकी कोई इनकम है तो डिडक्शन की वजह से उसका इफेक्ट भी कम हो जाता है, यानी 5-7 लाख-8 लाख तक आपको टैक्सेस देने की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर पड़ती भी है तो धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। देखो स्लैब रेट पहले पहले नील है, उसके बाद 5% है, उसके बाद 20% है, 30% है, या फिर न्यू स्लैब रेट जो आ गया है तो उसके अंदर 5-12-15-20-25 इस तरीके से चला जाएगा, और फिर 10 लाख की इनकम के ऊपर 30% का रेट है, इस तरीके से स्लैब बाय स्लैब है, यानी जो कम कमा रहा है, बहुत कम कमा रहा है उससे तो हम टैक्स ले ही नहीं रहे, जो थोड़ा सा कमा रहा है उससे हम थोड़ा सा टैक्स ले रहे हैं, थोड़ा ज्यादा टैक्स कमा रहा है तो इनकम कमा रहा है तो थोड़ा सा ज्यादा टैक्स ले लेते हैं, जो थोड़ा और ज्यादा कमा रहा है उससे थोड़ा और ज्यादा ले रहे हैं, जो बहुत ज्यादा कमा रहा है उससे बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, और उससे भी ज्यादा कमा रहा है तो सरचार्ज भी लगाते हैं इनकम टैक्स के अंदर,
यानी ये प्रोग्रेसिव नेचर का है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपके टैक्स की लायबिलिटी भी बढ़ती चली जाती है। तो क्या मैं इसे कह सकता हूं प्रोग्रेसिव टैक्स है? प्रोग्रेसिव इन नेचर है। दूसरी तरफ इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करो, मैं जाता हूं फोन खरीदने, 18,000 का फोन है, अगर उस 18,000 में 3,000 रुपए मान लो, 15,000 मान लो कि 20,000 का फोन है, 20,000 का फोन है, 18% जीएसटी लगता है उसके ऊपर आपको। हालांकि वो बोलेगा कितना, 20,000 का 18% कितना होता है 23,600, ठीक है 3600 रुपए जीएसटी आ जाएगा 18% के हिसाब से देखो तो 23,600 आपको बोलता कितना है दुकान वाला फोन का दाम 23,600, वो आपको बोलता ही नहीं 20,000 है, जब आप पे करने लगो तब आपको बोले कि नहीं 18% जीएसटी पे, फिर तो आपको महसूस होगा, लेकिन वो आपको बताता ही नहीं, वो आपको सीधा बोलता है 23,600 का फोन है, ठीक है। तो 23,600 का फोन चाहे मैं खरीदने जाऊं तो भी 23,600 का है, अंबानी जी खरीदने जाए तो भी 23,600 का है। तो यहां पर भेदभाव नहीं किया जाता, यहां भेदभाव है कि गरीब से कम टैक्स लिया जाए अमीरों से ज्यादा लिया जाए, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर ऐसा नहीं है। अगर पेट्रोल का दाम देखो 105 रुपए है तो 105 रुपए गरीब आदमी के लिए भी है, 105 रुपए अमीर आदमी के लिए है। तो यहाँ पे इससे प्रोग्रेसिव इन नेचर नहीं है, इसको मैं कहता हूँ रिग्रेसिव इन नेचर। आपको ये लिखना है, और एक बात समझो, जब ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है तो मैंने एक चीज और आपको बताया था इनकम टैक्स के बारे में कि पहले 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स ही नहीं देता। अब सोचो जो बंदा 2.5 लाख तक ही कमा रहा है, यानी वो कम कमा रहा है, 2.5 लाख के हिसाब से महीने का कितना हो गया 20,000 रुपये, 12 × 2 = 24, 240,000, ठीक है। तो 20-25,000 रुपये कमा रहा है वो, और उसके ऊपर भी अगर कमा रहा है तो गवर्नमेंट 5 लाख तक भी टैक्स नहीं लेती, मैंने आपको ऑलरेडी बताया रिबेट दे देती है इनकम टैक्स ऑलरेडी, अगर आपने पढ़ रखा तो आपको पता होगा, अदरवाइज नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वहां पर रिबेट का कॉन्सेप्ट चलता है जहां 12,500 रुपये का आपका रिबेट बन जाता है, तो वहां गवर्नमेंट बेसिकली आपसे टैक्स नहीं ले रही। लेकिन आप सोच के देखो जो बंदा 20,000, 25,000, 30,000 रुपये कमा रहा महीने के, आपको क्या लगता है वो कुछ भी टैक्स पे नहीं कर रहा क्या? एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, इंडिया टुडे का एक वो था, इंडिया टुडे नहीं इंडिया टीवी पे, उस प्रोग्राम का नाम है रजत शर्मा कंडक्ट करते हैं आपकी अदालत, उसमें किसी ने बोला था ये बात, आप अगर क्रॉस चेक करना चाहो कर लेना, वहां पे कहा था कि किसी ने कि टैक्सेस तो हम पे करते हैं, आप सब्सिडी और फ्री का बिजली जो दे रहे हो वो गरीबों को दे रहे हो, ऐसा उन्होंने बोला था किसी दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई बंदा रहा होगा, तो उन्होंने कहा था कि टैक्सेस तो हम पे कर रहे हैं पर सब्सिडी आप उनको दे रहे हो। केजरीवाल जी ने जवाब दिया था कि आप ये गलत फहमी से बाहर आओ कि टैक्स सिर्फ आप ही पे कर रहे हो, टैक्स हर कोई पे कर रहा है, टैक्स का मतलब सिर्फ इनकम टैक्स नहीं होता, टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स भी है, जीएसटी भी है। जब वो पेन खरीदने जाता है क्या गरीब आदमी पेन इस्तेमाल नहीं करता? गरीब आदमी बाइक नहीं चलाता? अगर एक मान लो कि किसी कंपनी में एक इंश्योरेंस एजेंट है पर्सन, तो इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस बेचता है, महीने के 15-20-25,000 रुपये कमाता है या उससे ज्यादा भी कमाता है, पर मैं मानता हूँ बेसिक तो 15-20,000 से ज्यादा जनरली नहीं कमाता, तो उसके पास भी बाइक है, वो भी पेट्रोल खर्च करता है, पेट्रोल जब खरीदने जाता है तो क्या पेट्रोल के अंदर, पेट्रोल डीजल के अंदर क्या उसके अंदर जीएसटी का अमाउंट शामिल नहीं है? सॉरी जीएसटी नहीं है पर इनडायरेक्ट टैक्सेस शामिल नहीं है, उसके अंदर भी टैक्सेस लगते हैं ना। मैंने बोला जीएसटी नहीं है, क्यों बोला पता है आपको? मैंने एक चीज अभी तक बताया नहीं था पर मैंने उसका जिक्र कर दिया गलती से, इसलिए मैं वापस ले लिया अपने शब्दों को। तो इसके अंदर जीएसटी नहीं लगता, हालांकि दूसरे टैक्सेस लगते हैं जो मैंने आपको बोला था ना, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या वैट वगैरह, तो वो सारे टैक्सेस आज भी लगते हैं, पेट्रोल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया, ठीक है। एनीवे जो उसके बारे में बाद में कर लेंगे, अगर वो शर्ट खरीदता तो क्या शर्ट खरीदते पर तो उसने जीएसटी पे नहीं किया? क्या वो मोबाइल का रिचार्ज नहीं कराता, उसके ऊपर जीएसटी नहीं पे करता? अगर हर कोई टैक्स पे कर रहा है भाई किसी न किसी रूप में, उसके घर में बिजली आती है, मान लो कि और क्या क्या चीजें हैं, वो चप्पल खरीदता है, जूते खरीदता है, बच्चों की एजुकेशन है, हर चीज के ऊपर तो जीएसटी पे कर रहा है वो भी। क्या वो अपने बच्चे नहीं पढ़ा रहा? क्या वो ट्यूशन फी नहीं पे कर रहा? क्या उसके घर में लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल नहीं है? सब कुछ है उसके घर में भी। क्या वो टेलीविजन का बिल नहीं भरता? तो यहां पर हर कोई पे कर रहा है, लेकिन ध्यान रखना उस पर्सन ने जो केजरीवाल को बोला था कि टैक्स तो हम पे कर रहे हैं, उसने कौन से टैक्स की बात करी थी पता है? इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स आप 2.5 लाख तक नहीं दे रहे, 5 लाख तक आपको रिबेट मिल जा रहा है,
तो यहां तक के बंदे तो बच जाते हैं, इसके ऊपर वालों को थोड़ा थोड़ा टैक्स लगता है, और जैसे जैसे स्लैब बढ़ता जाता है आपका इनकम टैक्स बढ़ता चला जाता है। तो इनकम टैक्स तो बहुत कम लोग हैं जिनकी इनकम इस देश में 5 लाख 6 लाख 7 लाख से ऊपर है, और अगर जो है भी वो भी चुरा छुपा के बताते नहीं पूरा अपना इनकम। तो बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअल में इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। तो यहां पे लिखता हूं मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं या डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं, वेरी फ्यू टैक्स पेयर्स, बहुत कम ही लोग हैं जो टैक्सेस पे कर रहे हैं। आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा टैक्सेस किसने पे करा था? कोई मेरे को एक आंसर बताओ, इंडिया में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पे करने वाले पर्सन का नाम बताओ। सही बात, पूजा का सबसे पहला आंसर था। यार लड़को तुमसे ना एक भी आंसर अब आया, लेट रहे तो यार तुम लोग। एक यहां पर मैंने गूगल सर्च मारा हाईएस्ट टैक्स पेयर इन इंडिया, और आप में से बहुत लोगों का जवाब सही भी है। सबसे ज्यादा टैक्स किसने पे करा है? अक्षय कुमार के अंदर, अक्षय कुमार ने पे करा है। मीट इंडियाज हाईएस्ट टैक्स पेयर, इट्स नॉट मुकेश अंबानी या गौतम अडानी, रतन टाटा, गौतम सिंघानिया और दिलीप सिंघवी। अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अक्षय कुमार वॉज द बिगेस्ट टैक्स पेयर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर की बात है। और आप में से सबसे पहले पूजा का आंसर था करेक्ट, करेक्ट कि सबसे बड़ा टैक्स पेयर जो है इंडिया का वो है अक्षय कुमार का। अब आप सोचोगे अंबानी जी टैक्स नहीं दे रहे, सोचो आप गरीब आदमी से टैक्स की उम्मीद कर रहे हो, इस देश का सबसे अमीर इंसान ही टैक्स पे नहीं कर रहा, इनकम टैक्स नहीं पे कर रहा, गरीब इंसान कहां से टैक्स पे करेगा? क्योंकि उनकी जो इनकम है वो इनकम सबसे ज्यादा नहीं है मुकेश अंबानी या फिर गौतम अडानी की, उनकी वेल्थ ज्यादा है। वेल्थ किस चीज से डिराइव होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द इक्विटी ही इज होल्डिंग, उनके पास जो अपनी कंपनी का हिस्सा है वो उन्होंने बेचा नहीं है, जब बेच देंगे तब उनको कैपिटल गेन होगा और फिर उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, पर यहाँ पर वो बेच नहीं रहे, वो होल्ड करके बैठे हुए हैं। मान लो कि मुकेश अंबानी के पास लेट से 52% या 48% के आसपास कितने का होल्डिंग है, मेरे से शायद इतना ही कुछ है। मुकेश अंबानी होल्डिंग, फिफ्टी अभी दिखा रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर नीचे होता होगा 50.9% है। तो इतना ही शेयर, आप अगर पिछले साल का भी चेक करो आपको थोड़ा माइनर डिफरेंस शायद नजर आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज ऑलमोस्ट लगभग 50% के आसपास ही वो होल्ड करके रखते हैं अपने शेयर अपनी कंपनी का, यानी अपनी कंपनी का आधा मालिक वो खुद हैं और वो रहते हैं। अगर कंपनी की वैल्यू बढ़ती है तो इनकी भी वैल्यू बढ़ती है, इनकी नेटवर्थ बढ़ जाती है, असेट बढ़ जाते हैं, वेल्थ बढ़ जाता है, बट उन्होंने असेट को बेचा नहीं है, तो बेचा नहीं तो वो इनकम उनका अपना हुआ नहीं, वो इनकम बनेगा ही नहीं, वो सिर्फ वेल्थ बढ़ रही है, इनकम नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए वो इनकम टैक्स पे नहीं करते। ये एक चालाकी है। तो इस देश के अंदर बहुत कम लोग, मैं आप जो आपको बात बताने की कोशिश कर रहा था, बहुत कम लोग इनकम टैक्सेस पे कर रहे हैं। तो वेरी फ्यू टैक्स पेयर्स आर देयर हु आर पेइंग इनकम टैक्सेस, लेकिन बहुत सारे, लगभग पूरा भारत एक टैक्स पे कर रहा है जिसका नाम है क्या, इनडायरेक्ट टैक्सेस। मोबाइल रिचार्ज हर कोई कर रहा है, हर कोई टैक्स पे कर रहा है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल खरीदते वक्त उसने टैक्सेस पे किए होंगे, घड़ी, जूते, कपड़े, गाड़ी, बेसिक नीड, घर बनाने के लिए ईंट भी अगर खरीदा है तो उसने टैक्सेस पे करा। भैया हर कोई टैक्स पे कर रहा है इंडिया के अंदर, ऑलमोस्ट एवरी पर्सन इज अ टैक्स पेयर। इसको मैं कहता हूं लार्ज टैक्स बेस। यहां पे क्या था, वेरी फ्यू टैक्स पेयर, या फिर इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो स्मॉल टैक्स बेस।
और इस तरीके से आप कई सारे डिफरेंसेस खुद बना सकते हो, डिराइव कर सकते हो। ठीक है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, जरा से देखते हैं क्या क्या बातें लिखी हुई है। ये हमने पहला पेज कर लिया था, दूसरा देखते हैं। इन सिंपल वर्ड टेक्स्ट इज नथिंग बट अ, टेक्स्ट क्या है? अरे यार आ जाओ यार, टैक्स इज नथिंग बट मनी दैट पीपल पे। टैक्स क्या है? मनी दैट द पीपल पे टू द गवर्नमेंट व्हिच इज यूज्ड टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को जो पैसे मिलते हैं, जो पैसे आप पे करते हैं, उसको टैक्स कहा जाता है। डायरेक्ट टैक्स इज अ काइंड ऑफ चार्ज व्हिच इज इम्पोज्ड डायरेक्टली ऑन द टैक्स पेयर एंड पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द पर्सन On whom it is imposed, जिसके ऊपर impose किया गया है, is paid, मतलब and paid directly to the government, directly government को दिया जाता है, by a person on whom, जिसके ऊपर it is imposed, जिसके ऊपर लगाया गया है, जिसके ऊपर levy किया गया है, वही इंसान जाकर के government को deposit करता है उस tax का, वही इंसान government को pay करता है, उसको कहते हैं direct tax। A direct tax cannot be shifted, दूसरे के ऊपर shift नहीं किया जा सकता, by a taxpayer to someone else, किसी और के ऊपर shift नहीं किया जाता। लेकिन indirect tax मैंने shift कर दिया था, मुझे government ने बोला 118 रुपए taxes की चाहिए, मैंने आपसे लेकर के government को दे दिया था। indirect tax shift हो जाता है, direct tax shift नहीं किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। If the taxpayer is just a conduit and at every stage tax incidence is passed on, tax का burden जो है pass कर रहा हूं, मैं आपको किया, आपने किसी और को किया, आगे किसी और को किया, आगे किसी और को किया, हर कोई एक दूसरे को transfer कर रहा है, and finally reaches the consumer। इस केस में मैंने जो example लिया था, उस केस में customer आप थे, सिर्फ मैंने एक stage की बात की थी, आपसे लिया और दे दिया। पर आप सोचो, जनरली मैन्युफैक्चरिंग और एक ट्रेड के अंदर एक मैन्युफैक्चरर होता है, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसके बाद फिर रिटेलर होता है, और मैन्युफैक्चरर भी किसी से रॉ मटेरियल खरीदता है, तो सबके एक चेन बना होता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इस चेन के अंदर। हर कोई जब सामने वाले को बेच रहा है तो टैक्सेस पे कर रहा है, सामने वाले के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दे रहा है, भैया तू गवर्नमेंट को जमा कराएगा। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर बोला कि तू जब सामने वाले से कलेक्ट करे तो जीएसटी कलेक्ट कर लियो। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को जब सामान बेचेगा तो उससे जीएसटी चार्ज कर लेगा, ये डिस्ट्रीब्यूटर जब आगे होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर से जीएसटी चार्ज करके गवर्नमेंट को दे देगा, ये डिस्ट्रीब्यूटर जब आगे रिटेलर को सामान बेचेगा तो रिटेलर से जीएसटी लेकर के गवर्नमेंट को जमा करा देगा, ये रिटेलर जब आगे कंज्यूमर को सामान बेचेगा तो कंज्यूमर से जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करा देगा। हर कोई हर स्टेज पे ऊपर ये चल रहा होता है, तो इसका क्या बोलते हैं, जब तक ये फाइनल कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाता, फाइनल कंज्यूमर कौन होता है, हु रियली बियर्स द ब्रंट ऑफ इट, यानी आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैंने जो आपसे टैक्स लिया ना 180 रुपए, वो आप किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो आपके ऊपर बोझ बन जाएगा, और यही गवर्नमेंट को टैक्स पे होता है। सच टैक्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर टू समवन एल्स, अपन एग्जांपल लेंगे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इनडायरेक्ट टैक्स को शिफ्ट किया जा सकता है, ऐसा बात है यहाँ पे लिखा हुआ है, पर अभी एग्जांपल लेंगे तो अभी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये सब बातें जो मैंने लिखा, अब देखो मैंने हाईलाइट क्या किया है, आपको मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया, और हाईलाइटेड क्या है, इंसिडेंस इज बोर्न बाय द कंज्यूमर हु अल्टीमेटली कंज्यूम द प्रोडक्ट। जब अभी क्वेश्चन कई बार अभी आपको पढ़ रहे, एक एग्जाम्पल देखोगे, दो एग्जाम्पल देखोगे, और धीरे धीरे जब आप लगभग आधा चैप्टर कर चुके होगे, तब तक आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट कर चुके होगे। उस समय पर जब आप सिर्फ हाइलाइटेड वाला पोर्शन देखोगे ना, इट्स इंसिडेंस इज बोर्न बाय द कंज्यूमर हु अल्टीमेटली कंज्यूम द प्रोडक्ट, जिसने अल्टीमेटली कंज्यूम करा, तो आप जब उस समय पर रिवीजन कर रहे होगे तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन आपको पूरा का पूरा स्टेंजा, पूरा का पूरा जो पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, सब कुछ कंक्लूड कर देगा, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन। इसीलिए हर लाइन को हाईलाइट नहीं करेंगे, पर आपके बोझ को कम करना मेरी जिम्मेवारी है, तो मैं वो कर रहा हूं। जीएसटी को मैंने एक और चीज आपको बार बार पढ़ाते वक्त बोला था, ये एक्सपेंडिचर के ऊपर जब आप खर्च कर रहे हो, जब सुनो दीपक, सुनो दीपक, दीपक तुम्हें कह रहा हूं, दीपक मैं उस दीपक को कह रहा हूं जिसने सबसे पहला कमेंट किया था गुड आफ्टरनून का,
और आप ही को कह रहा हूं दीपक, जब तुम IDDX राहुल को 1000 रुपए दे सकते तो क्या मुझे नहीं दे सकते? यही गवर्नमेंट की लैंग्वेज थी उस समय पे। यानी जब आप खर्च कर रहे हो 1000 रुपए तो 180 रुपए और नहीं कर सकते क्या? तो यहां पे क्या कंजम्पशन के ऊपर या फिर एक्सपेंडिचर के ऊपर ये खर्च था? तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी इसे कहते हैं, आप चाहो तो यहीं पे लिख लेना। यहां तो लिखा हुआ ना इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेविड ऑन कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर बट नॉट ऑन इनकम और प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं। अच्छा, प्रॉपर्टी टैक्स भी एक होता है जो कि डायरेक्ट टैक्स जैसा ही होता है, वो भी डायरेक्ट टैक्स है। तो यहां पर लेविड ऑन कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर, खर्च जब आप करते हो तब लगाया जाता है, इसको कहते हैं हम, यहां लिख दो आप कंजम्पशन टैक्सेज या फिर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड, मैंने गलत पेन उठा लिया, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। दे आर रिग्रेसिव इन नेचर। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं रिग्रेसिव का मतलब क्या, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वो होता है क्या, वैसे वैसे आपकी टैक्स की लायबिलिटी बढ़े, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। और रिग्रेसिव का मतलब हमारे को फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमा रहे हो, सबके लिए टैक्स बराबर रहेगा, तो उसे कहते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। बिकॉज दे आर नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे। जिसकी जितनी प्रोग्रेसिव क्या होता है, प्रोग्रेसिव का मतलब जिसकी जितनी एबिलिटी है, जिसकी जितनी क्षमता है, उस हिसाब से आपकी टैक्सेस बढ़ती चली जाती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर ऐसा नहीं होता, इसको कहते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। तो यहां पे आपकी इनकम के साथ साथ वो बढ़ता नहीं जाएगा। ऑल द कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग इकोनॉमिकली चैलेंज बियर्स द ब्रंट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेज इक्वली। मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना, जैसे आप पेन खरीदोगे आप क्या फर्क पड़ता है, आप गरीब हो, गरीब हो आप, विकलांग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए टैक्सेज आपको भी लगेगा। जब आप पेन खरीदोगे 5 रुपए का, तो आपको 5 रुपए का ही मिलेगा सबको, गरीब को भी 5 रुपए, अमीर को भी 5 रुपए, और इस 5 रुपए के अंदर कुछ ना कुछ टैक्स का कॉम्पोनेंट है, सबके लिए टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्सेज आर लेविड ऑन कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर के ऊपर लगाया जाता है। जीएसटी आने से पहले उसकी बात अपन यहां कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 4 बार एक ही चीज पढ़ना पड़ेगा। चलो मैं थोड़ा सा ऐसे बता देता हूं, यहां लिखा हुआ तो बता ही देते हैं। जीएसटी आने से पहले हमारे पास इंडिया में बहुत सारे टैक्सेज हुआ करते थे। जैसे कि जब आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हो, मैं आपको बहुत सारे का मतलब कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। कुछ जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते थे ना, तो मैन्युफैक्चरिंग जैसे ही कोई सामान बना उसी समय एक टैक्स लगा दिया जाता था, जिसको बोलते थे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। अच्छा मैं देखता हूं यहां पर नीचे कहीं पे आ रहा होगा ये चीज, तो अपन वहीं से करा लेंगे फिर यहां से। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन शुरू हो गया, कहीं लिख के नहीं दिया उन्होंने क्या, कहीं तो दिया हुआ है। खत्म हो गया, चलो नहीं दिया तो अपन यहां से दिखाते हैं ना आपको, सब चीजों का उपाय है हमारे पास। अरे रुक जा,
आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ टैक्सेज लगाए जाते थे, ये पेज नंबर 1.25 है, सेंट्रल टैक्सेज हैं। कुछ टैक्सेज आपको स्टेट गवर्नमेंट लगाती है जिसको बोलते हैं स्टेट टैक्सेज। आप आ जाना 1.25 नंबर पेज के ऊपर, मैं आपको कुछ टैक्सेज का ओवरव्यू बताता हूँ, जो फेमस टैक्सेज हैं उसका बताता हूँ अभी, बाद बाकी हम बाद में करेंगे। अब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्या है? भारत में किसी भी सामान का निर्माण होता है, मान लो ये पेन है, ये किस चीज से बना पता है आपको? ये मान लो प्लास्टिक होगा, रबर होगा, और क्या हो सकता है? ये हालांकि इलेक्ट्रॉनिक पेन है तो इसमें और भी कुछ होगा, पर मैं एक जनरल पेन की बात कर रहा हूँ। तो जनरली रबर होता है जिससे रिफिल बनता होगा, और प्लास्टिक से प्लास्टिक का उसका कवर बनता होगा, और इंक वाला इनपुट कुछ तो डलता होगा उसके अंदर, ठीक है। ये सब चीज़ें डाल करके एक हम मैन्युफैक्चर करते हैं एक सामान को। रबर एक अलग चीज़ था, उस रबर को हमने पेंसिल में कन्वर्ट कर दिया। प्लास्टिक क्या होता है? गला हुआ प्लास्टिक था जिसका कोई यूज नहीं है, उसको हमने एक नया रूप दिया, उसको पेन का रूप दिया, एक नए प्रोडक्ट का निर्माण हुआ जिसका एक नया नाम था। अब उसका नाम रबर नहीं है, अब उसको हम बोलते हैं पेन, ठीक है। तो नया नाम, नया कैरेक्टर, यूज नया है, सब कुछ नया हो गया, उसका रूपरेखा हमने बदल दी उसकी, तो उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आपको बताऊं मैं, सेंट्रल एक्साइज के अंदर आज भी इतने केसेज पड़े हुए हैं कि किस चीज को मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे और किस चीज को नहीं बोलेंगे। तो वहां पे एक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन होती थी, जो कि काफी विवादित डेफिनेशन थी, काफी विवादों में रहा था डेफिनेशन। और ये टैक्सेज लगाता कौन था? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाया करती थी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। यानी कि इसके ऊपर कानून बनाएगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। इस टैक्स का कलेक्शन करेगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये टैक्स कब लगाई जाती थी? इसका टैक्सेबल इवेंट कब था? कौन सा ऐसा इवेंट होता है जब पता चलता है कि टैक्स लगेगा अब इस चीज के ऊपर? यानी जैसे ही कोई मैन्युफैक्चरिंग हो गई, टैक्स की लायबिलिटी बन जाती थी आपकी। मतलब टैक्सेबल इवेंट क्रिएट हो जाता था, इसको हम कहते थे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ये मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगता था, आप यहां पे लिख लेना मैन्युफैक्चरिंग। और कौन लगाता था? तो ऑब्वियसली लिखा हुआ साफ साफ सेंट्रल टैक्सेज है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। उसी तरीके से फेमस एक और टैक्स था, सर्विसेज टैक्स। ये तो था मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, देखो बेचने के ऊपर नहीं है ना 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 ना। जब पेन बना, पेन बनते ही जैसे ही पेन का मैन्युफैक्चर होता था तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती थी हमको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी दे दो। और जब ये बेच रहे होते थे तो बेचने के ऊपर अधिकार, हम आगे पढ़ेंगे जाकर के देखेंगे, तो यहाँ पर हर गवर्नमेंट को अपने अपने अधिकार होते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। कुछ चीज़ों का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है, इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार मेरा है। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के रिगार्डिंग किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चर के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसके पास था? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो वो कानून बनाती थी और टैक्स भी कलेक्ट करती थी। स्टेट के पास अपनी पावर होती है, इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर कंट्री है, यानी कि सबके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास अपनी अपनी पावर है। ऐसा नहीं है कि वो सारे पावर ले लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों के पास पावर है। तो स्टेट क्या बोलता था? ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जब होगा उसका अधिकार आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ये सामान बिकेगा ना तो मैं टैक्स चार्ज करूंगा। इसके बेचने पर भी टैक्स चार्ज होगा, जिसका नाम था वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, या फिर सेल टैक्स। ये होता था सेल के ऊपर। जब ये मैन्युफैक्चर हुआ पेन, एक ही कंपनी जब सामान बनाती थी, मान लो रेनॉल्ड्स है, रेनॉल्ड्स का पेन आप सबने देखा होगा, लिंक स्मार्ट था, लिंक ग्लाइसर था, और कितने कितने सारे पेन है, ठीक है। जब पेन बना तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि एक नए प्रोडक्ट का निर्माण हुआ, बजाओ ताली भाई, नया प्रोडक्ट बना है, खुशी का माहौल है, सरकार के ऊपर कुछ पैसों की छींटे बरसा दो, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आप सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी दे दो। लेकिन जब आप बेचोगे तो स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है, उसको टैक्स तो दे दिए, हमें भी चाहिए कुछ। तो यहाँ पर सेल के ऊपर लगाया जाता था वैल्यू एडेड टैक्स, जिसे हम कहते थे वैट, इन शॉर्ट, ठीक है। उसी तरीके से जब इंटर स्टेट सामान कोई बिकता था, दिल्ली से अगर उत्तर प्रदेश में से ये पेन बेचा जा रहा है
तो फिर वैट नहीं लगता था ना 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 ना, ना। वैट के जैसा ही एक टैक्स और है जो कि अगेन स्टेट गवर्नमेंट ही चार्ज करती है, उसका नाम था सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स चार्ज कर लिया जाता है, हालांकि उसका कानून बनाने का अधिकार जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है, क्योंकि दो स्टेट आपस में लड़ ना जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती थी कानून मैं बनाऊंगा, लेकिन जो स्टेट बेचेगा सामान वो स्टेट पैसा रखेगा, यानी सोर्स स्टेट जहां से सामान निकला, जैसे दिल्ली से उत्तर प्रदेश में बिका तो केजरीवाल जी टैक्स लेंगे उसका, लेकिन कानून कौन बना के देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि दो स्टेट आपस में लड़ न ले कि टैक्स किसको मिलना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहते कानून मैं बनाएगा, तो यहां पर सेंट्रल टैक्स लग जाया करता था। उसी तरीके से ये तो हो गए सामान की बात, गुड्स की बात। सर्विसेज टैक्स, जब आप सर्विस किसी को देते हो ना, एक डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपनी प्रोफेशनल सर्विस किसी को जब देता था तो वो टैक्स आगे सामने से क्या चार्ज करता था? वैट। आंसर इज नो, वैट चार्ज नहीं करता था, वो सामने से सर्विसेज टैक्स चार्ज किया करता था। जब आप सीए बनोगे ना, और अब आप क्या चार्ज करोगे? जीएसटी। पहले क्या करते थे? सर्विस टैक्स। पहले हम जीएसटी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं चार्ज करते थे, क्योंकि हमारा कोई जो सामान है, मेरा जो काम है वो प्रोफेशनल सर्विसेज देना, मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा हूँ, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्या मैं पे करूंगा? आंसर इज नो। क्या मैं वैट पे करूंगा? क्या मैं सामान बेच रहा हूँ? आंसर इज नो। तो मैं सर्विसेज दे रहा था, सर्विसेज के प्रोविजन के ऊपर लगता था सर्विसेज टैक्स, और ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जाती थी। तो ये लिख लो आप, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। और यहां से फेमस कोई चीज है? और यहां फेमस कुछ भी नहीं है, यहां पे लिखा हुआ सेंट्रल सेल्स टैक्स। देखो, सेंट्रल सेल्स टैक्स कानून बनाने का अधिकार था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। टैक्सेस तो ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट ही लेती थी, बेचने के ऊपर कोई भी टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं जाता था। इसके अलावा देखो, मैन्युफैक्चरिंग का मैंने लिख दिया, एक और यहां पे लिखना चाहो इसको बोलते हैं स्टेट एक्साइज ड्यूटी। यहां पे क्या था? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एक होता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगता है, तो क्या ये स्टेट एक्साइज ड्यूटी स्टेट भी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर टैक्स लगाता था? आंसर इज ऐसा नहीं था। स्टेट एक्साइज ड्यूटी सिर्फ कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड पावर कानून बनाने का स्टेट अपने पास रखती है। पता कौन सा सब्जेक्ट है वो? शराब। लीकर के ऊपर टैक्स कौन जमा कराएगा, कौन कलेक्ट करेगा? लीकर की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता था, आज भी लगता है, पहले भी लगता था, आज भी लगता है। लीकर के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है, स्टेट गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करती है। और जब उसको बेचते हैं तो बेचने के ऊपर तो पहले से वैट या सेल टैक्स तो लग ही रहा है। सॉरी, यहां पे लिखा हुआ है वैट। जब बेचेंगे तब तो मैं वैट चार्ज करूंगा, वैट कौन चार्ज करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। जब मैन्युफैक्चरिंग होगी शराब की, तब टैक्स कौन चार्ज करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। शराब की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी टैक्स स्टेट गवर्नमेंट, और शराब को बेचने के ऊपर भी टैक्स स्टेट गवर्नमेंट। यानी शराब के मामले में उसने सेंटर को बोला, तुम जाओ तेल लेने, तेल के ऊपर तुम भले ही टैक्स ले लेना, पर हम इसके ऊपर टैक्स लेंगे। सिमिलरली आज की डेट पर अगर मैं टैक्सेस की बात कर रहा हूं तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी खत्म हो चुका है, लेकिन एक बात बताऊं, कुछ चीजों के ऊपर अभी भी जिंदा है, जिसमें से एक है कौन? पेट्रोल डीजल के ऊपर आज भी पुराने टैक्सेस लग रहे हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्रूड कच्चा तेल लेके आते, कीचड़ वाला तेल होता है वो, उसको रिफाइनिंग की जाती है और एक नया फ्रेश यूज का तेल हम जब निकालते हैं, जब हम डीजल या पेट्रोल निकालते हैं, उसके जो वहां से एक मैन्युफैक्चरिंग हुआ ना, आप क्रूड ऑयल लेके आए कच्चा तेल, और उससे जो आपने ब्लेंड करके एक नया तेल बनाया जिसको हम पेट्रोल या डीजल के नाम से जानते हैं, तो उस नए चीज के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग होती है। उस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कोई ना कोई नया प्रोडक्ट अगर निकल के आता है जिसका अलग यूज नेचर करेक्टर है, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। और यहां पर मैन्युफैक्चरिंग हुई, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट आज भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी चार्ज करती है, और ध्यान रखना जब इसको बेचते हैं तो एक और टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं वैट। बेचने के ऊपर तो आज भी और पहले भी पुराना टैक्सेज ही लग रहा था, किसी भी चीज को आप बेच रहे हो तो वहां पर वैट ही लगता था, तो यहाँ पर आज भी वैट लगेगा। यानी कि जब हम कहते हैं ना सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, आज आपने सुना होगा, आज नहीं मतलब अभी सुनते हो आप रेगुलरली, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, हाई तवा मचा देते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दाम बढ़ा दिए। आपको पता है
दोनों मिलकर के टैक्स चार्ज करते हैं उसके ऊपर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी और वैट भी लगता है उसके बेचने के ऊपर, दोनों मिलकर के टैक्स चार्ज करते हैं। हाँ ये जरूर है कि उसके अंदर बेस कंपोनेंट, पहले जो कंप्यूट करने का तरीका वो होता है कि 100 रुपए का मान लो, नहीं 100 नहीं, 50 रुपए का तेल का पर लीटर का प्राइस है पेट्रोल का 50 रुपए, उसके ऊपर पहले सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाएगी, दोनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आता है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट अपना वैट चार्ज करती है, और इस तरीके से दोनों मिलकर के टैक्स चार्ज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर दोनों के दोनों मिलकर के साथ में टैक्सेस चार्ज करते थे, और कई सारे और भी टैक्सेस हैं, जब हम करेंगे तब कर लेंगे। एनीवेज बाकी जो चीजें बच जाएंगी वो हम बाद में करा देंगे। यहाँ पे आप देखोगे ना तो आप पढ़ोगे टोबैको के ऊपर, आज भी पता है दोनों टैक्सेस लगते हैं। कुछ कुछ चीजें हैं जो आज भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। टोबैको इज सब्जेक्टेड टू GST एज वेल एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, यानी टोबैको की जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी चार्ज हो जाता है, जब टोबैको बिकता है जनरली। अब सब चीजों के ऊपर एक ही टैक्सेबल इवेंट होता है, दैट इज सप्लाई, जब हम पढ़ेंगे आगे तब हमें पता चलेगा। तो अभी इस चीज को आप छोड़ दो। अभी आपने पुराने कुछ टैक्सेस देख लिए जो फेमस टैक्सेस थे, कौन कौन से, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और वैट और सर्विस टैक्स, ये तीन खासा फेमस थे। मैं इन तीनों की आपको बात इसलिए बताया, और CST मैंने बताया था सेंट्रल सेल्स टैक्स, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर सामान बेचा जा रहा था वहां पे वैट की जगह पे एक दूसरा टैक्स लगता था जिसको सेंट्रल सेल्स टैक्स कहते थे, ठीक है। बाकी आपको और एक टैक्स का नाम पता है, वो है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कब लगता है, जब आप इंडिया के बाहर से कोई गुड्स सामान, सुनना सर्विस की बात नहीं कर रहा हूं, गुड्स जब आप मंगवाते हो, जब वो इंडिया के टेरिटरी में आ जाती है तो वहां पर कस्टम ड्यूटी लगा दिया जाता है, ठीक है। या फिर एक्सपोर्ट के केस में भी लगता है कस्टम ड्यूटी, बट वो रेयरली कुछ कुछ के केस में लगता है, अदरवाइज जनरली आप समझो इंपोर्ट ड्यूटी ही उसको बोलते हैं। कस्टम ड्यूटी इज लाइक इंपोर्ट ड्यूटी, मतलब सीधी बात है, जब दो स्टेट दो कंट्री के बीच में गुड्स जा रहा हो या आ रहा हो तो कस्टम ड्यूटी की बात करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अर्लियर अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस वर लेविड इन इंडिया, नेमली जिसका नाम था एक्साइज ड्यूटी, यानी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और स्टेट एक्साइज ड्यूटी दोनों हुआ करते थे। कस्टम ड्यूटी आज भी लगता है, कस्टम ड्यूटी अर्लियर क्या होता है, आज भी लगता है। सर्विसेज टैक्स खत्म हो चुका, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका। सेंट्रल सेल्स टैक्स इंटर स्टेट सेल के ऊपर लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स इंट्रा स्टेट के केस में लगता है, एंट्री टैक्स है जब आप किसी स्टेट के अंदर एंट्री लेते हैं तो एंट्री टैक्स लगाया करते थे, कुछ कुछ स्टेट्स लगते हैं। परचेज टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स में भी कई सारे दो तरीके के, तो मैं अभी आपको ज़्यादा दिमाग पर बोझ नहीं देना चाहता। तो ये सारे कई तरीके के टैक्सेस लगते रहे, ठीक है। लेकिन एक डेट आता है 1 जुलाई 2017 और सभी चीजें हो जाती है। 1 जुलाई 2017 से हमारे देश में एक नया टैक्स का इजाद होता है, उसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दोस्तों अभी तक जो आपने पढ़ा है वो सब व्यर्थ था, असली कहानी तो अब शुरू होगी। 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में एक नए टैक्स का इजाद होता है जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और पुराने जितने टैक्सेस थे सबको, उन्हीं सब टैक्सेस को सबज्यूम कर दिया गया, यानी उसी के अंदर ला दिया गया। ऐसा नहीं है कि उसको हमने खत्म कर दिया, उसको SSS के एक मुट्ठी के अंदर पैक कर दिया। लेकिन मैंने अभी ऑब्वियसली आपको बताया कि पूरी तरीके से पुराने टैक्सेस मरे नहीं है, आज भी जिंदा है, कुछ कुछ चीजों के ऊपर लग रहे हैं आज भी पुराने टैक्सेस। पर जनरली अगर कहा जाए तो 99.9% केसेस में मैं कह सकता हूं खत्म हो चुका है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही टैक्स का नाम रखना है, दैट इज GST, जय श्री राम बोलो। तो यहां पर इंडिया विटनेस्ड अ पैराडिग्म शिफ्ट, पैराडिग्म शिफ्ट हो गया, मतलब पुराने टैक्सेस से पूरी तरीके से नया, एक पूरे नए भारत का नया टैक्स। जुलाई 1, 2017 विद असरेंस इन टू
यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम वेयर इन अ लार्ज नंबर ऑफ द सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्सेस वेयर अमेलगमेटेड जोड़ दिया गया इनटू अ सिंगल टैक्स, एक ही टैक्स के अंदर सबको जोड़ दिया गया जिसका नाम था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये कुछ बेकार की बातें लिखी हुई, ऑब्वियसली आपके एग्जाम से रिलेवेंट तो नहीं है। बाकी कुछ चीजें उन्होंने लिख दी, ऐसे कस्टम ड्यूटी कंटिन्यूज इन पोस्ट टैक्स रेजिम, आज भी कस्टम ड्यूटी लग रहा है गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर। देखो सर्विसेज जब आप इंपोर्ट करते हो एक्सपोर्ट करते हो तो यहाँ पर भी जीएसटी ही लगता है गुड्स, लेकिन जब आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो तो वहां पर आप आगे चल के पढ़ोगे कि वहां पर भी आपको जीएसटी लगता है, पर कस्टम ड्यूटी भी लगता है। कस्टम ड्यूटी पहले भी लगता था, अब भी लगता है, इकोनॉमिस्ट वर्ड। चलो ये सब बेकार की बात है थोड़ा सा। अब देखो एट इंटरमीडिएट लेवल We will study the select provision of substantive and procedural law of GST, concept of supply of charge of GST exemption, basic concept of time, value of supply, input tax credit, registration, tax invoice, credit and debit note, accounts and records, e-way bill, returns। इसी से मुझे याद आया कि मैं आपको एक और चीज बताने वाला था जो नहीं बताया, तो अपन अभी आपको बता देते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ आपकी ICICI की वेबसाइट के ऊपर। आई होप आपको दिख तो रहा है प्रॉपर, नहीं दिख रहा मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा, लेकिन चलो बड़ा कर ही देता हूं। अब तो दिख रहा होगा, अब रोना बंद करो, आपको सब दिख रहा होगा। यहां मैं चला गया, अंदर जाके भी आप जा सकते हो, मैं डायरेक्ट बाहर से चला गया बोर्ड ऑफ स्टडीज के नॉलेज पोर्टल पे ऊपर, ठीक है। और यहां पर आपके पास आ जाता है एक खास बात, यहां पर आपके सामने है स्टडी मटेरियल न्यू स्कीम का, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स और सिलेबस की हम बात करते हैं, ठीक है। मैं खोलता हूं सिलेबस ओल्ड स्कीम का, इंटरमीडिएट का, ठीक है। और साथ में मैं खोल लेता हूं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, इसके अंदर न्यू स्कीम। ओए होए, न्यू स्कीम करते ही पुराना वाला गायब हो गया, मुझे तो अलग करना चाहिए था। यहाँ पे मैं सिलेबस खोल देता हूँ आपका एक अलग टैब के अंदर, ठीक है। ये न्यू स्कीम का खुल गया, पुराने वाले का मुझे दोबारा खोलना पड़ेगा। ओल्ड स्कीम का यहीं पे खोल देते हैं, और यहाँ से चला गया मैं इंटरमीडिएट, और ये रहा आपका, और ये है न्यू स्कीम का, इसका मैंने खोला कहाँ, इंटरमीडिएट कोर्स, ठीक है। इसको खोल के हटाता हूँ, ये आपके पास दो पेजेस बच गए। राइट साइड वाला जो है वो आपका नया कोर्स है, इसके अंदर पेपर नंबर वन अकाउंटिंग, इसके नंबर पेपर नंबर वन हुआ करता था अकाउंटिंग, आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको भी जरा जूम कर ही देता हूँ। ठीक है, मैं न्यू स्कीम के अंदर नीचे आ जाता हूँ। पहला आपके पास एडवांस अकाउंटिंग का पेपर है, दूसरा है कंपनी लॉ का, अपने को क्या करना, तीसरा आपके पास आता है महत्वपूर्ण टैक्सेशन 100 नंबर का, इनकम टैक्स है आपके पास 50 मार्क्स का, दूसरा आ जाता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 50 मार्क्स का। देखो अब यहाँ पे कहानी शुरू होती है कि आपको पढ़ना क्या क्या है, लेकिन इससे पहले मैं जाता हूँ पुराने कोर्स के अंदर। पुराने कोर्स के अंदर आपका पेपर नंबर 4 हुआ करता था टैक्सेशन का, ठीक है। इसके अंदर मैं पार्ट बी में चला जाता हूं, जो कि था इनडायरेक्ट टैक्सेज, 40 नंबर का हुआ करता था, ठीक है। नए में क्या है केस, ये हो गया है 50 नंबर का, अभी है ये वाला, यहां पे दिख रहा होगा आपको 50 मार्क्स, पहले ये 40 मार्क्स का हुआ करता था। इसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ते हैं, पुराने वाले के ऑब्जेक्टिव्स को भी पढ़ सकते हो, नए वाले को भी। पुराने वाले में इकट्ठा दे रखा है, तो अपन यहां देखते हैं क्या लिखा हुआ।
टू डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स लॉ एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉ. आपको दोनों के प्रोविजंस को पढ़ना है और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है अपने अंदर, ठीक है. एंड टू अक्वायर द एबिलिटी टू अप्लाई सच नॉलेज टू मेक कंप्यूटेशन एंड एड्रेस एप्लीकेशन ओरिएंटेड इश्यूज. यानी कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं, मेक कंप्यूटेशन. कंप्यूटेशन का मतलब आपको किसी की इनकम निकालनी है या आपको टैक्स की लाइबिलिटी जीएसटी के अंदर मैं अगर पे बोलूं तो वो कंप्यूट करना निकालना आना चाहिए. एंड एड्रेस एप्लीकेशन ओरिएंटेड इश्यूज, ठीक है. नए कोर्सेज के अंदर क्या बोलता है आपको, आपकी बात वो सिलेबस हो गया 50 नंबर का, टू डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी लॉ. तो यानी आपको जीएसटी लॉ के प्रोविजंस को डेवलप करना है अपने अंदर, यानी पढ़ना है, समझना है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है उसकी. दूसरा बोलता है टू अक्वायर द एबिलिटी टू अप्लाई सच प्रोविजन टू एड्रेस या सॉल्व इश्यूज इन मॉडरेटरली कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज. अब आपके पास देखो बातें वही लिखी हुई है जो पहले लिखी थी, लेकिन अब की बार उन्होंने बोल दिया टू एड्रेस या सॉल्व इश्यूज इन मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज. व्हाट डज इट मीन, कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है, कितना कॉम्प्लेक्स, थोड़ा कॉम्प्लेक्स या थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स या थोड़ा और 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 या थोड़ा और या थोड़ा और, ये और की डेफिनेशन है किसके पास. मॉडरेट का मतलब क्या, देखो पहले हमारे सिलेबस के अंदर ना मेन चार चैप्टर हुआ करते थे. कौन कौन से, जहां से क्वेश्चन आएंगे, पहला आ जाएगा आपको सप्लाई का मतलब तो दोनों जगह पता होना चाहिए. यहां पे था एग्जेम्पशन रिवर्स चार्ज जो आपको 3 नंबर और 4 नंबर पे मिल रहे हैं, एग्जेम्पशन रिवर्स चार्ज. और उसके बाद एक चैप्टर है इनपुट टैक्स क्रेडिट का 5वें नंबर पे जो दिख रहा है 3 का 5th पॉइंट ये वाला, और वैल्यूएशन. ये ऐसे चार चैप्टर थे जिससे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते थे, और आपका ये चार के ऊपर अगर कमांड है तो आप ठीक ठाक स्कोर कर जाओगे. सिर्फ इन चार के ऊपर कमांड हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते थे, ऐसा पहले के लिए. अब की बार उन्होंने देखो पुराने सिलेबस और नए सिलेबस में अंतर दिखाता हूँ, ये सारे चैप्टर्स पहले भी थे. ये पहला यूनिट के अंदर देखा ना, एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चार्ज ऑफ जीएसटी एग्जेम्पशन कंपोजिशन, आपको यहां भी दिखेगा. कॉन्सेप्ट एंड फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रिंसिपल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी लॉ इंट्रोडक्शन, इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एग्जेम्पशन कंपोजिशन, ये यहां भी था यहां भी है, कोई दिक्कत नहीं. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन पहले भी था अभी भी है, अभी लिखा नहीं हुआ है बट एक ही बात है. टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात करी है उन्होंने, टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात करी यहां पे. देखो नए कोर्स के अंदर भी है और पुराने कोर्स के अंदर बोला था उन्होंने, कहां लिखा था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई. उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी इसकी भी बात कर ली, टाइम ऑफ सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई और इनपुट टैक्स क्रेडिट. एक नया चैप्टर आपके पास दिख रहा है यहां पर, प्लेस ऑफ सप्लाई. ये पहले सीए फाइनल के अंदर हुआ करता था, अब की बात उन्होंने सीए इंटर के अंदर इसको घसीट के ले आए. तो आपके पास एक नया चैप्टर पढ़ना है सीए फाइनल का. इसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी की लायबिलिटी पहले भी था, यानी यहां पर था पहले भी अभी भी है. रजिस्ट्रेशन पहले भी था आज भी आपको मिल जाएगा, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी और रजिस्ट्रेशन पहले भी था आज भी आपको मिल जाएगा. टैक्स इनवॉइस क्रेडिट नोट डेबिट नोट ईवे बिल, ये आपके पास पहले भी था आज भी है, ठीक है. टैक्स इनवॉइस क्रेडिट नोट डेबिट नोट ईवे बिल. रिटर्न्स और पेमेंट्स का चैप्टर पहले भी था, रिटर्न्स और पेमेंट ऑफ टैक्सेस पहले भी था अभी भी है. एक और चैप्टर आपको दिख रहा है यहां पर, वो है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स. एक और नई बात हुई, पता है क्या, ये जो चैप्टर है पेमेंट ऑफ टैक्स, इसके अंदर टीडीएस और टीसीएस के कॉन्सेप्ट, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के टीडीएस टीसीएस, अगर आपको नहीं पता हो, कई लोगों को पता होगा कि जीएसटी सॉरी इनकम टैक्स के अंदर टीडीएस और टीसीएस का कॉन्सेप्ट होता है, जीएसटी के अंदर भी टीडीएस और टीसीएस का कॉन्सेप्ट है जो कि पहले आपके सिलेबस में नहीं था कवर्ड. टीडीएस और टीसीएस आपको सीए फाइनल लेवल पर पढ़ना पड़ता था, पर अब इन्होंने घसीट करके ला कर रख दिया है सीए एंटर के अंदर. तो आपको सीए एंटर के अंदर भी पढ़ना पड़ेगा पेमेंट ऑफ टैक्सेस के अंदर. अब अगर आप देखो ना यहाँ पर चले जाओगे, अगर आप चले गए यहाँ पर और मैं चला गया होम पेज के अंदर और मैं चला गया यहाँ पर और न्यू सिलेबस का मैंने कोई बुक खोल दिया. अच्छा मेरे पास तो वैसे और भी जगह है,
चलो मैं यहीं से दिखा देता हूँ, इंटरमीडिएट के अंदर चले गए और यहाँ पे आप टैक्सेशन के अंदर चले गए। टैक्सेशन के अंदर आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, इसके अंदर मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 है। इसके अंदर आपके पास आ गया पेमेंट ऑफ टैक्सेस का चैप्टर नंबर 13, मैंने 13 पे क्लिक कर दिया। और इस 13 के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको सेक्शन नंबर 51-52 भी नजर आने चाहिए। 49 हो गया, 51 नहीं है क्या? अलग से चैप्टर है क्या कोई? एक सेकेंड, ये बिजली गिरी तो तुम्हीं पे गिरेगी। आ तो रहा है ये चैप्टर नंबर 14 के अंदर, टीडीएस कहाँ आ जाएगा, 14.5 नंबर पेज के ऊपर है, ठीक है। और ये मेरे पास क्या खुला हुआ है, बुक कहाँ गया पता नहीं। एनीवेज चैप्टर नंबर 14 के अंदर देखो आप, तीसरा नंबर पॉइंट आ जाता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ये तीन नंबर और चार नंबर पॉइंट आ जाता है टीडीएस और टीसीएस, इसको बोलते हैं शॉर्ट के अंदर। ये आपको पहले नहीं पढ़ना होता था, अब आपके सिलेबस के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है तो आपको ये भी पढ़ना है। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग प्रोविजंस हैं ऑफ जीएसटी लॉ एंड एंटायर कस्टम लॉ वो कहां पढ़ना है आपको, फाइनल लेवल के अंदर। तो आज की क्लास हमारी 2.5 घंटे हो गए हैं, मैं तो क्लास कर दे रहा हूँ साइन ऑफ। सुनो मेरी बात, अभी खत्म करने से पहले एक आखिरी बात, आपको अगर क्लासेस पसंद आ रही हो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर सकते हो। इसका जो एक आपको वीडियो के नीचे, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो ना, जिसने ऑलरेडी देख रहे हो आप ऐप पर, आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा कोई दिक्कत नहीं है, पर जो लोग YouTube पर देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर लिंक के एक नीचे लिंक मिलेगा, आप वहाँ से क्लासेस बाय कर सकते हो, क्योंकि ये 5-7-8 लेक्चर्स के आसपास YouTube पर अवेलेबल रहेगी। इसके बाद के लेक्चर्स आपको YouTube पर नहीं मिलेगा, तो वो जिन्होंने लेक्चर्स बाय कर रखा होगा सिर्फ उनको ऐप के अंदर दिखेगा, और ये क्लासेस लाइव रहने वाली है, आपको सारी मदद हमारी तरफ से मिलेगी। बस आपको ये करना है कि आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, बाकी बातें हम कर लेंगे बैचेस के अंदर, क्लासेस के अंदर, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोग हों जिनको कुछ इशू हो पैसे पेमेंट करने के अंदर, तो आप वो हमें बताना, हम देख लेंगे उसको, इशू रिजॉल्व करेंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही हो, पैसे ना दे पाने की क्षमता हो या कम दे पाने की क्षमता हो, तो वो भी हम मैनेज करेंगे आपके लिए, कुछ ना कुछ आपके लिए सुविधा निकालेंगे, आप बता दीजिएगा हमको। हम आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए मुझे आशा है कि आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो ये वीडियो तो आप इसे लाइक जरूर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब हर हालत में करना है आपने, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ें कंटेंट्स आपके लिए आती रहेंगी, आपके एग्जाम प्रिपरेशन तक इवन की रिवीजन वीडियोज हो गए और कई सारे केस लॉ भी आते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बाय बाय जी, हम मिलते हैं कल इसी टाइम पर 3:00 सर, टाइम से आप लेट मत होना। चलो बाय बाय, निकलो, अभी तक बैठे हुए हो गया।